हेलो रोहन, एक बार पिंग कर देना अगर मुझे सुन पा रहे हो तो। आई एम ऑडिबल। यस। जो वर्कबुक शेयर किए थे वो किस किसने सॉल्व किए हैं दो पिछले दो सेशंस के? अच्छा, वर्कबुक दिशा आरती, दिशा मेरी, निहारिका, पूजा, रेडमी, रेडमी 9। ओके, ये वर्कबुक 1 यस, सेकंड नो। 1 इजी था, सेकंड और थर्ड थोड़े डिफिकल्ट है। सो वो याद से करना। वो वर्कबुक सॉल्व कर लोगे ना तो शायद ही कोई क्वेश्चन में कभी डाउट आएगा उन टॉपिक से रिलेटेड। ब्रिजेश मिश्रा ऑन यूट्यूब। अगर आपको जूम मीटिंग ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन इंस्टेड ऑफ यूट्यूब। आई जस्ट ड्रॉप द मीटिंग आईडी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो जूम पे इंटरैक्टिव रहेगा। ये मीटिंग आईडी मैं लिख रहा हूँ इन केस किसी को अगर जूम मीटिंग से ज्वाइन करना है, एंड क्योंकि मैं जूम मीटिंग पे ज़्यादा इंटरेक्टिव हूँ, मुझे यहाँ पे मैसेजेस दिख जाते हैं इंस्टेड ऑफ यूट्यूब। सो मीटिंग आईडी इज 83943। एट थ्री 943 7607675, सॉरी 8394376097 5, एंड पासवर्ड है FAL123, ऑल स्मॉल। फर्स्ट वर्कबुक में कोई डिफिकल्टी है दिशा? बाकी लोगों ने नहीं सॉल्व किया है शायद। पार्टिसिपेंट्स आज काफी सारे लोग लेट क्यों हैं? बहुत सारे अभी आए नहीं है जो रेगुलर वाले। यारी का पूजा एंड सी योर मैसेज एवरीवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वाज वेटिंग एक्चुअली कि
क्योंकि बहुत सारे शायद जो रेगुलर वाले हैं फर्स्ट सेकंड सेशन वाले वो अभी तक दिख नहीं रही है। ठीक है, थोड़ा बीच में भी ज्वाइन कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अबाउट लाइक ये एफएमपी का पहला सेक्शन है। ओके, सो एफएमपी में एक्चुअली तीन सेक्शन में ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट योर फाइनेंशियल मार्केट्स, लाइक द डेरिवेटिव्स वाला जो एरिया है, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, देन सेकंड सेक्शन आता है फिक्स्ड इनकम रिलेटेड। सो लास्ट के 5-6 चैप्टर्स जो है वो मोर ऑफ फिक्स्ड इनकम वाले हैं एंड फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर जनरल टॉपिक। ठीक है, सो इसको पढ़ते वक्त एक थोड़ा सा केयर ये करना है कि मेजर फोकस अंडरस्टैंडिंग पे रखो। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें से ना लगभग 28 क्वेश्चंस इजी टू इनकैश होते हैं। मतलब इतने इजी टू इनकैश है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। कंडीशन इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एंड प्रैक्टिस कर लो, बेसिक प्रैक्टिस। डेफिनेटली वो सब करने की जरूरत नहीं, 3-4 हज़ार 5 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हार्डली लाइक 200-300 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, क्योंकि है ना पॉसिबिलिटी पता है क्या होती है कि यहाँ पे ना वेरिएशन कम बनते हैं क्वेश्चन के। सो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसके 2 या 3 ही वेरिएशन पॉसिबल है, गार्प वही टेस्ट करता है हर बार। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉन्सेप्ट अब फंडामेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है एंड देन यू ट्राई टू अटेम्प्ट दोस कॉन्सेप्ट, सो द क्वेश्चन तो वहां पे जाके प्रॉब्लम होती है। सो हमें क्या करना है, मेक श्योर कि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं पे भी ग्लिचेस नहीं है कॉन्सेप्ट में। ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है बट कहीं कहीं ग्लिचेस है, जैसे फ्यूचर ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन है या ऑप्शन के कॉल और पुट में कोई कंफ्यूजन है। सो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन कभी कभी कॉस्ट एग्जाम में ये हो सकते हैं, कॉस्टली हो सकते हैं। सो वॉट वी विल डू इज वी विल मेक श्योर कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखें। वर्कबुक कंपलसरी है, ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व वर्कबुक। वर्कबुक में मैं लगभग जितने पॉसिबल इटरेशंस हो सकते हैं ना किसी भी कॉन्सेप्ट के, कि क्या डेविएशन हो सकता है, वो सब डेविएशंस मैं कवर करता हूँ। ठीक है, सो यू विल सी, अगर आपने वर्कबुक 3 देखा होगा कॉमन यूनिवेरिएट का, तो एक ही क्वेश्चन है बाइनोमियल का और उसमें 4 क्वेश्चन डाले हुए, राइट, एक टास्क टास्क नंबर 1 या 2 में, राइट। सो वो सारा अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको कभी बाइनोमियल में कंफ्यूजन नहीं आएगा, बाइनोमियल के सारे एस्पेक्ट एक साथ कवर हो जाएंगे। सो उसी पैटर्न में यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ इसका भी वर्कबुक मिलेगा। इसका वर्कबुक मैं पहले भी देता था, क्वांट्स का मैंने अभी देना चालू किया है, लेकिन इसके वर्कबुक्स तो पहले भी अवेलेबल थे जहाँ पे कंबाइंड वर्कबुक होता था, एफएमपी, फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड्स का, राइट। सो वो सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइक, अच्छा ऐसा कोई है जिसने आज तक के कभी मार्केट या ट्रेड टर्मिनल नहीं देखा हुआ है, मतलब कहीं स्टॉक परचेस नहीं किया या कभी कुछ परचेस ही नहीं किया लाइक इन स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, लाइक दैट, लाइक नो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, एनीवन हु हैज नो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस? अच्छा, किस किस ने किया है और वो क्या क्या ट्रेड किए हुए हैं? स्टॉक्स, ऑप्शंस, जनरली इन रिटेल ट्रेड लाइक वी डील इन स्टॉक्स एंड ऑप्शंस, नॉट इन एफएनओ। ओके, राहुल नॉट इन एफएनओ, देन हैव ट्रेडेड स्टॉक्स ऑन एक्सचेंज, नो ऑप्शंस एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके, सो मेजर मेजर ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस एक्सपीरियंस नहीं वाली है रादर देन ऑप्शंस एक्सपीरियंस वाले। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है ना, एफआरएम का मेन करिकुलम जो है एफआरएम पार्ट 1 में, वो पूरा का पूरा ऑप्शन से डील करता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड्स ऑफ कोर्स। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको स्टॉक्स पता भी है तो भी कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शंस में, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकली उसको देखा नहीं है। सो मेरा जनरल रिकमेंडेशन है कि क्या करो, कुछ वर्चुअल ट्रेड ये आते हैं, टर्मिनल्स आते हैं, लाइक वर्चुअल पोर्टल्स आते हैं जहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। आई सर्च फॉर वन, ओके, कोई न्यू स्टॉक्स करके है, सो दैट टर्मिनल आई फाउंड लाइक डिसेंट वन टू सी कि क्या होता है ऑप्शंस में, क्या होता है। सो वो कैसा ना, वो एक कंफर्ट के लिए यूजफुल है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो यू विल नेवर लाइक, जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं उनका डायरेक्ट यूज वहां पे या एक्चुअल ट्रेड में, दोनों के में थोड़ा डिस्टेंस है। मतलब आपको प्रैक्टिकली करना था तो भी आपको टेक्निकली
जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने ही पड़ेंगे, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दिस, बट एक्सपीरियंस के लिए आप वो यूज कर सकते हो जस्ट टू सी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे कैसे ऑप्शन चेन डिराइव होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है ऑप्शन चेन में, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं, राइट? सो ओके, रेडमी आई एम अनेबल टू सी, ये जो ओनली इक्विटी नाम दिया हुआ है इट इज जस्ट शोइंग मी रेडमी, इफ यू कैन चेंज योर नेम. सो मेजर मेजर ऑडियंस मुझे यहाँ पे इक्विटी वाली दिख रही है, ठीक है? सो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिस्कशन. सो ऑप्शंस और ये जो सेक्शन है पूरा डेरिवेटिव्स वाला, वो स्टार्ट करने के पहले वी नीड टू सी लाइक एक बेसिक कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, उसका टाइप्स क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन एनीवन टेल मी कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, अ सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन. सुधीर, जस्ट डू वन थिंग, एडमिन ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर लो, सो वो आपको हेल्प कर देंगे. जॉइंट, ओके. इट इज मार्केट वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर ट्रेडेड. यस, ये कहां होता है ये मार्केट, लोकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज हैपन. यस, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, कूल, वेयर ट्रेडिंग हैपन्स, लाइक वो तो सब्जी वाले मार्केट में होता है ना, सो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग. रोशन, ओके. देन या स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ओटीसी, ओके. प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज लाइक टाइप ऑफ मार्केट, ओके. Either over the counter or exchanges. नहीं, I am asking like financial market, कोई एक specific, जैसे होता है ना कि local grocery market होता है, तो आपको पता है कि किस location पे जाना है, ठीक है? So in similar fashion, like say कोई किसी भी type का, if you want any goods, specific electronics market के लिए, we have electronic goods के लिए, we have electronics market, ठीक है? So financial markets जो है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? इट इज नॉट एनी फिजिकल लोकेशन इन अ कॉन्सेप्ट लेवल. उसके अंडर में फिर ये ओटीसी, उसके बाद में एक्सचेंजेस, उसके फिर अलग अलग डिफरेंसिएशन है. बट फाइनेंशियल मार्केट एज इन मार्केट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इज जस्ट अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट कि जहां पे सारी जगह, सारे लोकेशन जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है, वो सारे इंक्लूडेड है. सो दैट वी विल कॉल इट एज अ फाइनेंशियल मार्केट. There are people who have surplus finances meets with the people who wants the finances or the funds. Okay, like again, things are going like वो जो definition है राहुल आपकी, वो एक nuclear side में है, एक specific area को cover करती है. It is not a general definition. Trading financial securities and the derivatives. Yeah, cool. ठीक है. So financial markets can be divided into like these categories. ये एक limited division है कि किस किस categories में आप इनको डिवाइड कर सकते हो. द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफी, ठीक है? अब फाइनेंशियल मार्केट यू हैव टू थिंक अबाउट द लाइक अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो फाइनेंशियल मार्केट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के तौर पे, अब उसको डिवाइड कर सकते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, राइट? सो नेशनल एज इन जो इस जिस नेशन में आप हो उस नेशन में ट्रेडिंग चल रहा है, ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, वो नेशनल हो गया. Then international as in दूसरी कंट्री, मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन से डिवाइड कर दिया. बट वेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल, यहाँ पे प्राइमरीली लाइक इन द स्टडीज और द डिस्कशन करेंसी कवर होता है, ठीक है? फॉरेक्स बोलेंगे इसको. देन मैच्योरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, राइट, फाइनेंशियल मार्केट को. सो फाइनेंशियल मार्केट के टाइप में मैच्योरिटी में, सो इट कैन बी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट,
Now the definition of money market and capital market. Anyone? और ये ना आप रिलेट कर सकते हो कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जब व्हेन यू वर टेलिंग कि इट इज एक्सचेंज एंड ओटीसी वगैरह. अब जैसे इसका टाइप इज मैच्योरिटी बेस पे, ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. अब वो एक्सचेंज और ओटीसी को डिवाइड कैसे करोगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में? दैट्स व्हाई आई सेड कि या मनी मार्केट इज लेस देन वन ईयर और इक्वल टू वन ईयर. ओके, वन ईयर और लेस देन वन ईयर, ठीक है. सो मनी मार्केट, वो मार्केट अगेन द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है. मनी मार्केट इज दैट मार्केट जहां पे जो सिक्योरिटीज है, जो ट्रेडिंग हो रहा है, वो ऐसी सिक्योरिटीज का जिनकी मैच्योरिटी लेस देन और इक्वल टू वन ईयर है. नाउ माय क्वेश्चन इज दिस लेस देन और वन ईयर इज फ्रॉम टुडे और फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूएंस. Date of issuance of that security. The money market products are having less than 1 year. Okay. Okay. Date of issuance based on residual period. Wrong, Brijesh. Date of issuance. Yeah. So date of issuance. So jis din wo security issue ho rahi hai, us date se अगर उस डेट पे उसकी मैच्योरिटी लेस देन वन ईयर है तो उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा मनी मार्केट में. एंड देन यू हैव नेक्स्ट कैपिटल मार्केट. ओके, सो कैपिटल मार्केट में क्या होगा? इट इज मोर देन वन ईयर. सो आपकी जो भी सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी मोर देन वन ईयर है, दैट विल बी कवर्ड इन दी लाइक कैपिटल मार्केट. ठीक, देन स्पॉट एंड डेरिवेटिव्स मार्केट. Easy. Spot as in, आप जो एसेट है वो अभी खरीद लो, ठीक है. सो दिस इज द स्पॉट मार्केट. एंड डेरिवेटिव मार्केट मतलब कि आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मुझे इन सम टाइम इन फ्यूचर मुझे बाय या सेल करना है उस कमोडिटी को. सो दैट विल बी इन फ्यूचर, ठीक है. सो दिस इज द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में इन फ्यूचर अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्पॉट में कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट सिक्योरिटी का जो ट्रेड होगा, एक्चुअल ट्रेड, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मनी एंड एक्सेप्टेंस और लाइक डिलीवरिंग ऑफ द सिक्योरिटी. So that will be in the future at some time. वो specify किया जाएगा पहले ही इसमें, right? Contract में. Okay. And then asset sale. So asset sale पे अगर categorize करते हैं तो then we have the primary market and secondary market. So now can anyone tell me like what is primary market and secondary market? ठीक, फर्स्ट टाइम इश्यूएंस इज प्राइमरी, ब्रिजेश करेक्ट. ओके, सुधीर, लिस्टेड सिक्योरिटीज इज ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट. ओके, प्राइमरी वेयर आईपीओज आर इश्यूड. ओके, सो आईपीओ कहां इश्यू होते हैं? ठीक है, फिर मतलब समवन सेड ना कि प्राइमरी इज वेयर आईपीओज आर इश्यूड. रेडमी 9 सेड वेयर आईपीओज आर इश्यूड. सो आईपीओज कहां इश्यू होते हैं? वन, लाइक ऑब्वियसली इट इज लिस्टेड इन द एक्सचेंज ओनली. सो प्राइमरी इज, ये जो है ना, इस तरीके से लाइक इज नॉट टेक्निकली करेक्ट, लाइक ठीक है, थोड़ा ऐसे ब्रॉड अगर आइडिया करे उसको, आइडिया बनाए ब्रॉड, तो इट इज करेक्ट बट नॉट टेक्निकली करेक्ट. सो प्राइमरी मार्केट, अगेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को कहा जाएगा जहां पे यू गेट द इनिशियल ऑफरिंग्स, ऑल टाइप ऑफ इनिशियल ऑफरिंग्स. इट कैन बी अ प्राइवेट प्लेसमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आईपीओ ही होना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी, हमेशा याद रखो. इवन इफ इट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ओके, बाय अ फर्म, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द ट्रेडिंग इन द प्राइमरी मार्केट. ओके, so it can be private placement, IPO or private placement, but it needs to happen in the, at the first time. Actual IPO जब issue होता है या कोई भी initial offering होती है या securities, specifically stocks के बारे में अगर बात करते हो,
तो एक्चुअली वो कंपनी जो है ना वो मनी प्रोक्योर कर पाती है, फंड्स प्रोक्योर कर पाती है, राइट. वंस दिस इज डन, प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो गया, देन ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं एक्सचेंज में फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है. सो नाउ जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स एक दूसरे के साथ में जब ये बेचेंगे अपने जो असेट्स है वो बेचेंगे, उसके लिए वी नीड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है. सो व्हेन यू डायरेक्टली बाय इट फ्रॉम द इश्यूअर इट इज प्राइमरी मार्केट, एंड देन व्हेन यू ट्रेड बिटवीन दी व्हेन द ट्रेड हैपेंस बिटवीन द इन्वेस्टर्स इट इज सेकेंडरी मार्केट. ओके, सो दिस इज इजी, लाइक नथिंग इज डिफिकल्ट हियर. अब यहां पे एफआरएम करिकुलम में क्या क्या कवर होता है. सो एफआरएम में प्राइमरी सेकेंडरी बिल्कुल कवर नहीं होता है, लाइक इशू आईपीओ इन सब के बारे में, इन सब के बारे में बात नहीं होती, इन सब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है यहाँ पे. ओके, देन लाइक नेशनल वाला कोई ऐसे पार्ट नहीं है, स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं है. वी हैव लाइक फॉरेक्स एफएमपी में ही है, देन वी हैव मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जो भी बॉन्ड्स एंड जो डिस्कशन है, डिस्कशन रिलेटेड टू द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, आई एम अज्यूमिंग इट इन द कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट, ठीक है. सो वी हैव द डिस्कशन ऑन ट्रेजरी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, देन जो भी सिक्योरिटीज जिनका लेस देन एंड मोर देन 1 ईयर मैच्योरिटी है, वी हैव स्पेसिफिक डिस्कशन ऑन द बॉन्ड इन द फिक्स्ड इनकम, एफएमपी में भी है, वीआरएम में भी है, ठीक है. देन ट्रेडिंग टाइम के बेसिस पर जब डिवीजन होता है, देन वी हैव द स्पॉट मार्केट एंड द डेरिवेटिव्स मार्केट. मैंने हेडफोन नहीं लगाया हुआ है, इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग सम नॉइज. सो अगर किसी को बात करनी है लाइक माइक से अगर बताना है, तो यू हैव टू जस्ट टेल मी, लाइक मैसेज में ड्रॉप कर देना, देन आई विल जस्ट यूज इट. ओके, कहा था मैं, या स्पॉट एंड डेरिवेटिव्स. तो एफआरएम करिकुलम में स्पॉट मार्केट बिल्कुल कवर नहीं होता है, ठीक है. देर इज नो डिस्कशन ऑन स्पॉट मार्केट, लाइक द एक्चुअल अंडरलाइंग स्टॉक्स का सेल, एक्चुअल सेल जो होता है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं. स्पॉट में जो सेल होता है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं. मेनली हमारा करिकुलम डील करता है डेरिवेटिव्स के साथ में, ठीक है. सो मेन डिस्कशन एफएमपी एंड वीआरएम का सिर्फ डेरिवेटिव्स में. देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसे कोई डिविजन है नहीं जैसे कि मैंने बताया, ठीक है. सो डेरिवेटिव्स का बेसिक्स, एफआरएम पार्ट वन में डेरिवेटिव्स के बेसिक्स में हम लोग 3 डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे. मेजर डिस्कशन कवर होगा आपका फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का डेफिनेशन बहुत ऐसे टेक्निकली अगर देना है, तो इट इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स और सिक्योरिटी विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग. सो बोलने के लिए, ठीक है. सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग इज बेसिक डेफिनेशन. एंड जनरल तरीका अगर बात करने का या समझने का ये है, तो देन वी हैव लाइक दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है. मुझे आज नहीं खरीदना है कोई भी चीज, परचेज सेल आज नहीं करना है, मुझे इन फ्यूचर चाहिए, ठीक है. सो इन फ्यूचर मुझे परचेज या सेल दोनों में से कोई भी पोजिशन आप ले सकते हो. जो मुझे इन फ्यूचर ट्रेड करना है एट अ स्पेसिफिक डेट, उसके लिए मुझे आज एक कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी एक इंडिविजुअल के साथ में, एंड इफ यू गो फॉर दी लाइक फ्यूचर्स देन एक्सचेंजेस के साथ में भी. सो आज एक मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी एट अ फ्यूचर डेट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव, ठीक है. सो डेरिवेटिव इन शॉर्ट इट इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो हमें राइट या ऑब्लिगेशन, इट कैन बी एनीथिंग, जनरेट करके देता है टू बाय और सेल सिक्योरिटी, अगेन इट कैन बी एनीथिंग, एट अ फ्यूचर डेट, राइट. सो बाय और सेल कब होगा, एट फ्यूचर डेट. कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, आज. सो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव्स, ठीक है. और ये कैसा ना, मे बी अगर आप बहुत पहले फर्स्ट टाइम कुछ अगर लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट, तो डेरिवेटिव्स ऐसा है कि बहुत ज्यादा इशू नहीं है, मतलब समझने के एंगल से या किसी भी एंगल से. धीरे धीरे पूरा सिलेबस खत्म होते होते ना इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं लगेगा, इट विल बी लाइक वेरी नॉर्मल थिंग फॉर यू, ठीक है. डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट समझना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है एट द एंड ऑफ द सिलेबस. इनिशियली हो सकता है कि स्टार्टिंग के एक या दो चैप्टर्स में थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ कुछ छूट रहा है, कुछ हो रहा है या कुछ मिस कर रहे हो, बट एट द एंड एवरीथिंग विल बी राइट. नाउ ये हो गया आपका टेक्निकल डेफिनेशन, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन.
नाउ अंडरलाइन क्या होता है, अंडरलाइन एक दूसरी सिक्योरिटी, ठीक है. सो अंडरलाइन कैन बी स्टॉक, सो आपका डेरिवेटिव कैन बी स्टॉक, इट कैन बी कमोडिटी, इट कैन बी वेदर, इट कैन बी इवेंट. लाइक मैच के ऊपर पैसे लगाते लोग, राइट. सो बेटिंग करते हैं, इंडिया में इलीगल है, काफी सारी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में इट इज लीगल. सो जब ये बेटिंग चलती है, ठीक है, सो यू एंटर इन टू बेट, राइट. सो वी कैन से दिस बेट इज अ डेरिवेटिव, और जिसका आउटकम, जिसकी वैल्यू डिसाइड होगी डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ दैट मैच, क्रिकेट मैच, ठीक है. सो क्रिकेट मैच इज योर अंडरलाइन, दैट्स व्हाई आई सेड द इवेंट इज कैन बी अंडरलाइन एंड डेरिवेटिव कैन ऑल्सो बी अंडरलाइन. मतलब डेरिवेटिव का अंडरलाइन डेरिवेटिव होगा, ठीक है. सो डेरिवेटिव का अंडरलाइन डेरिवेटिव, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, वी विल स्टडी दिस इन एक्सोटिक ऑप्शन. ओके, सो दीज आर ऑप्शंस ऑन ऑप्शन. जस्ट अ सेकेंड. ओके, किसी को जस्ट बेसिक डेरिवेटिव की डेफिनेशन में कंफ्यूजन है एकदम ही, मतलब कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, टाइप्स वगैरह नहीं, जस्ट बेसिक डेफिनेशन. आई होप लाइक एवरीथिंग इज क्लियर. देन वी हैव लीनियर एंड नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स, ठीक है. लीनियर मतलब जिसका पे ऑफ डायरेक्टली इन लीनियर फंक्शन, लीनियर कॉम्बिनेशन में अंडरलाइन के साथ में होता है, ठीक है. जैसे जैसे अंडरलाइन बढ़ रहा है मेरा पे ऑफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे अंडरलाइन गिर रहा है मेरा पे ऑफ गिर रहा है. इफ दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, अ लीनियर फंक्शन, देन वी कॉल इट दिस डेरिवेटिव एज अ लीनियर डेरिवेटिव. क्या जरूरी है कि बढ़ रहा है, दोनों बढ़े तभी उसको लीनियर कहेंगे? नहीं. सो अगर अंडरलाइन का वैल्यू गिर रहा है एंड मेरे डेरिवेटिव का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट इन अ लीनियर फंक्शन, इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन, देन ऑल्सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ लीनियर डेरिवेटिव. मूवमेंट जो है वो लीनियर होना चाहिए, डायरेक्शन लीनियर नहीं होता है, मूवमेंट सिर्फ लीनियर होता है, ठीक है. एंड देन कम्स द नॉन लीनियर डेरिवेटिव. नॉन लीनियर डेरिवेटिव में क्या होता है कि पे ऑफ ऑफ डेरिवेटिव इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ योर अंडरलाइन, ठीक है. तो अंडरलाइन हो सकता है कि अंडरलाइन किसी और तरीके से मूवमेंट करे एंड जो आपका डेरिवेटिव है वो किसी और तरीके से मूवमेंट करे. ओके, सो हम लीनियर नॉन लीनियर दोनों पढ़ेंगे. सो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर जो है वो लीनियर फंक्शन है, एंड देन यू हैव नॉन लीनियर विच आर द नॉट लीनियर फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन. सो वो है ऑप्शंस. सो ऑप्शंस गोज इनटू द नॉन लीनियर कैटेगरी, ठीक है. सो ये सब बेसिक हो गया जो हमें पढ़ना है इस करिकुलम में. Then, ये डिस्कशन अगेन जस्ट इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं. ये अगेन है ना, ये कैसा डिस्कशन है पता है, ये ओटीसी फ्यूचर्स ऑप्शंस फॉरवर्ड्स. अब यही कहानी रिपीट होगी अगले 8-9 चैप्टर तक की, ठीक है. घूम फिर के वही वही कॉन्सेप्ट रिपीट होते जाएंगे और ऑटोमेटिकली हर चीज सेटल हो जाएगी. सो डोंट बॉदर अबाउट इट. सो अगर थोड़ा सा क्विकली मूव कर लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी, तो भी हर एक पार्ट डिटेल में डिस्कस होता है. लाइक ओटीसी मार्केट नेक्स्ट चैप्टर में ही डिटेल में डिस्कस होगा, राइट. सो ओटीसी मार्केट होता है ओवर द काउंटर मार्केट. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, अगर अगेन जैसे डिवीजन देखा था. सो एक्सचेंज एंड ओटीसी. एक्सचेंज क्या होता है, इट इज लाइक फॉर द स्टैंडर्डाइज ट्रेड. सो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, सिक्योरिटी जो है, वो स्टैंडर्डाइज है. आपको स्पेसिफिकली जो लिस्टेड सिक्योरिटी है, जो स्पेसिफिकली मैंशनड है, वही आप बाय और सेल कर सकते हो. सो दैट इज इन द एक्सचेंज. नाउ इन डेरिवेटिव, ये ओटीसी मार्केट में क्या होता है, इट इज ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर बहुत सारे जो ओटीसी सेलर्स होते हैं, द ट्रेडर्स, ओके, सो वो कस्टमाइज डेरिवेटिव क्रिएट करते हैं एंड वो कस्टमाइज डेरिवेटिव दे विल सेल यू. सो वहां पे जो ट्रेड होगा दैट विल बी द ओटीसी, ठीक है, ओवर द काउंटर ट्रेड. सो ओवर द काउंटर में सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन इज द इशू. एंड हम ओटीसी में जाते ही क्यों है, बिकॉज वी वॉन्ट अ कस्टम रिक्वायरमेंट. हमारी रिक्वायरमेंट कस्टम है, हमें डायरेक्ट जो मार्केट में मिल रहा है वैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए. एग्जाम्पल लाइक घर में हम फर्नीचर बनाते हैं, देर आर टू ऑप्शन, लाइक रेडीमेड पेपर फ्राई जैसे वेबसाइट से मंगा लो एंड यू कैन प्रोक्योर डायरेक्टली. बट ऐसा हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठता हो,
So you will obviously go for some go with to some carpenter and ask him to like आपको एक पूरा बना के दे, फर्नीचर बना के दे. So that is a custom requirement. So OTC is when you go to the carpenter directly and give you your custom requirement and ask him to like build that structure. And exchange is like directly buying online. ठीक है. So ये हो गया OTC market. So OTC market is a customized trading market which utilizes telephone and computer to the market rate. ठीक है. Then OTC market size is 530 trillion. बहुत substantially high size है compared to the exchange market is markets. ये जो फर्क है ना, ये बहुत ज्यादा like इसको direct relate मत कर लेना. यहाँ पे OTC में बहुत सारी securities notional values के साथ में trade होती है. Like we have swaps. ठीक है. So swaps notional value पे trade होता है. So इन सब चीजों की वजह से OTC market का size बहुत बड़ा दिखता है. ठीक है. So that you think you have to remember. Then advantages, ठीक है, terms are not specified, hence participants have more flexibility to negotiate. And अब कुछ नए changes आना चालू हो गया OTC market में. Now OTC market में भी standardization, central counterparty, ये सब नए concepts introduce हो गए हैं जो पहले नहीं exist कर रहे थे. Previously there was no standardization. Now we have standardization in the OTC market. So standardization, central counterparty, ये जो key point, ये जो key features है, वो जो पहले exchanges में थे, अब वो OTC में भी available है. And then improved anonymity. So जब आप OTC में जाते थे, तो यहाँ पे anonymity मतलब पता नहीं चलेगा किसी को कि आपने क्या trade किया हुआ है. ठीक है. So because you will go one to one इस type से. ये seller के पास में गए, जो भी आपको security या derivative चाहिए, आपने derivative आपका position ले लिया, तो अब दो लोगों को ही पता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड एक्सचेंज में कैसे होता है ना, एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन कैन गो पब्लिक बिकॉज यू आर ट्रेडिंग ऑन प्लेटफॉर्म. ठीक. वो सबको पता चल सकता है, गवर्नमेंट को तो पता होता ही है. राइट. नाउ डिसएडवांटेजेस, क्रेडिट रिस्क इज हायर फॉर द नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेड्स एंड नॉट क्लियर थ्रू सेंट्रल क्लियरिंग. ओके. विच आर नॉट क्लियर थ्रू सेंट्रल क्लियरिंग. नाउ रिमेंबर, अगर आपने 2019 में FRM किया होता, शुरू किया होता, और कोई है भी, क्योंकि 2020 में तो एग्जाम ही डिफर हो रहा है, तो अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने 2019 से पढ़ाई चालू की थी वो अभी भी दे रहे हैं, तो आपको याद होगा ये जो डिसएडवांटेज है ना OTC का, OTC का हम लोग सिंगल लाइन में बोल देते थे कि OTC का डिसएडवांटेज क्या है, क्रेडिट रिस्क इज हायर, दैट्स इट, वहां पे खत्म हो जाता था. ठीक है. अब जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट था, मतलब ऐसा नहीं कि नया लाइक 2020 में कॉन्सेप्ट आया हुआ है, काफी टाइम से चल रहा है स्टैंडर्डाइजेशन इन OTC, बट सिलेबस में इस तरीके से लाइक द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ OTC का डिस्कशन फर्स्ट टाइम आया हुआ है, क्योंकि इसके पहले जॉन सी हल का बुक रेफर होता था 2019 तक के. ठीक है. जॉन सी हल में इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ OTC के ऊपर, तो अब वो एम्फेसिस गार्प में इंट्रोड्यूस कर दिया है. सो इसलिए नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि क्रेडिट रिस्क इज हायर ओनली फॉर द नॉन स्टैंडर्डाइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ द ट्रेड्स which are not cleared through central clearing, क्योंकि अब OTC में भी central clearing आ गया है और वो आपके syllabus में भी आ गया 2019 तक, ये syllabus में नहीं था. तो तब question का answer अलग तरीके से करते हैं, अब question का answer अलग तरीके से करना है. Remember, GARP is very curriculum based exam. Real life में क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है. अगर कोई concept गलत है तो वो गलत के साथ भी चले जाएंगे. Generally ऐसा अगर होता है तो they don't ask questions. ठीक है. बहुत बार ऐसे हुआ है कि कोई कॉन्सेप्ट गलत था, गार्प न्यू इट, बट फिर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा. बट यहाँ पे कैसे, ये बहुत ही स्टेबल कॉन्सेप्ट है. अगर आप है ना 100 बुक्स देखोगे तो 90 बुक्स तो OTC के बारे में बात ही ऐसे करते हैं कि इट इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, अनरेगुलेटेड एंड लाइक दैट. बट सिनेरियो हैज चेंज अ लॉट इन लाइक पास्ट 10 years 15 years. काफी सारा स्टैंडर्डाइजेशन, रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग इज हियर नाउ. ओके. नाउ यहाँ OTC नहीं खत्म होता, OTC के और एक दो चैप्टर्स आएंगे. सो और फर्दर डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. नाउ एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या होता है, इट इज मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड, मार्केट ऑफ इट, इट इज मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड एंड लिस्टेड एक्सचेंज डेरिवेटिव्स. सो ऑफकोर्स स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए एंड देन लिस्टेड भी होना चाहिए. ठीक है. लिस्टेड इन,
ओके, कैन एनीवन टेल मी लाइक लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब? और बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में समझाना है, क्योंकि सी वी आर नॉट इन द कंपनी सेक्रेटरी वाला कोर्स, ठीक है, या सीए वाला कोर्स जहां पे पूरा का पूरा सेबी का आईडीए के गाइडलाइंस वो सब पढ़ते जाना है आपको, है ना? सो अवेलेबल फॉर ट्रेड इन द एक्सचेंज टू प्रोवाइड, नो नो, आई एम जस्ट आस्किंग लिस्टिंग का मतलब क्या होता है. हेलो आर्यन कुमार, टू शो द वैल्यू इन जनरल, नहीं, एकदम ही लेमेंस लैंग्वेज में बहुत ही इजी है, कोई मतलब यू कैन गिव लाइक एकदम बेसिक एग्जांपल, ठीक है, लिस्टिंग का बेसिक एग्जांपल भी नहीं, बेसिक ही मीनिंग, एकदम बेसिक मीनिंग है. फॉर ट्रेडिंग बाय रिटेल इन पब्लिक, नहीं, आई एम आस्किंग एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने का मतलब क्या होता है. या लिस्टेड इन एक्सचेंज, उसी का मतलब पूछ रहा हूं, लिस्टेड इन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? वो तो आईपीओ का मतलब हो गया, वो तो प्राइवेट प्लेसमेंट से भी हो सकता है. ब्रिजेश, टू रेज द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज, यू कैन डू इट फ्रॉम द प्राइवेट प्लेसमेंट एज वेल, पर वो लिस्टिंग नहीं हुआ. लिस्टिंग का मतलब क्या होगा? मीन्स अवेलेबल इन एक्सचेंज फॉर ट्रेड, या दिस इज द लाइक क्लोज मीनिंग. ओके, एक जनरल बहुत ही लेमेंस एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, इन केस लाइक यू आर मिसिंग दिस पॉइंट, सम ऑफ यू आर मिसिंग दिस पॉइंट, अगर ऐसा होता है तो देखो, एक कंपनी के से 1 लाख शेयर्स है, मतलब खुद के, ठीक है. सो उसमें से ये कंपनी से लाइक 20,000 लिस्टिंग के लिए दे सकती है एंड 80,000 लिस्टिंग के लिए नहीं होगा. ओके, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% लिस्टिंग में भी रहे, लिस्टिंग में ही रहे. लिस्टिंग वाले जो शेयर्स या सिक्योरिटीज हैं, दीज कैन बी ट्रेडेड बाय पब्लिक अमंग देम डायरेक्टली टर्मिनल से, ठीक है. इसका पैरेलल एग्जाम्पल, लिस्टिंग का सिंपल मतलब मेकिंग इट अवेलेबल विथ एक्सचेंज टू ट्रेड इन बिटवीन द ट्रेडर्स, हमें उससे कोई कंपनी का इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है. सो जनरल एग्जाम्पल क्या हुआ कि कोई एक जैसे से फैल्कन, ठीक है. अब फैल्कन, इफ यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर द क्लासेस, आपको क्या करना होता है, लाइक यू हैव टू डायरेक्टली कम टू आर वेबसाइट एंड देन यू हैव टू एनरोल, राइट. अब मैंने अगर Amazon पे अवेलेबल करा दिए क्लासेस, Amazon से डायरेक्टली आप वेबसाइट से सेल कर सकते, परचेस कर सकते हो, तो वो क्या हुआ, मैंने अपना जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट करा दिया Amazon पे फॉर परचेस. वैसे ही एक्सचेंज में जो कंपनीज होती है वो अपना प्रोडक्ट और शेयर्स, प्रोडक्ट्स इज नॉट द राइट वर्ड, शेयर्स लिस्ट करा देगी फॉर परचेस एंड सेल. सो Amazon पे सिर्फ परचेस हो सकता है, लाइक फ्रॉम द रिटेल रिटेलर साइड. सो यहाँ पे क्या होगा कि यू कैन हैव लाइक परचेस एंड सेल बोथ द साइड्स इन एक्सचेंज. सो एक्सचेंज को एमेजॉन जैसे समझो, ठीक है, सिंपल. ओके, सो यहां पे वी हैव मीन्स अवेलेबल, ठीक. सो ओके, ना हमारा डिस्कशन जो है कंप्लीट एफआरएम में, जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो तीन प्राइमरी डेरिवेटिव्स हैं. पहला है फॉरवर्ड्स, दूसरा है फ्यूचर्स, तीसरा है ऑप्शंस. हर एक को डिटेल में समझेंगे, हर एक की प्रॉपर्टीज, पूरी प्रॉपर्टीज नहीं क्योंकि हर किसी के ऊपर, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर सेपरेट चैप्टर है. ओके, वी हैव स्पेशल चैप्टर ऑन फॉरवर्ड फ्यूचर का प्राइसिंग, वी हैव स्पेशल चैप्टर ऑन ऑप्शंस का प्राइसिंग, बाइनोमियल, बीएसएम, वो सब, ठीक है. देन उनके स्पेसिफिक फीचर्स के ऊपर भी चैप्टर्स हैं. ओके, सो फॉरवर्ड मार्केट के ऊपर अलग चैप्टर है, ऑप्शंस मार्केट के ऊपर अलग चैप्टर है. सो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर नहीं, बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहां पे कवर करेंगे, ठीक है. सो लेट्स गो विद द फर्स्ट.
विल स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स. ओके, नाउ फॉरवर्ड्स क्या होता है? फॉरवर्ड्स पहली बात तो इन बिटवीन, इट इज ओटीसी, नॉट द एक्सचेंज ट्रेडेड. ओके, नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड. सो दिस इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. एक पार्टी कहेगी कि मुझे इन फ्यूचर एट टाइम टी वन एक पर्टिकुलर कमोडिटी लॉन्ग करनी है या बाय करनी है, ठीक है. दूसरी पार्टी कहेगी कि मुझे एट दिस पर्टिकुलर टाइम टी वन वही सेम कमोडिटी सेल करनी है. सो आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है. सो एक होगा बायर बट फ्यूचर में, बायर इन फ्यूचर एंड सेलर इन फ्यूचर, ठीक है. सो बायर इन फ्यूचर एंड सेलर इन फ्यूचर, दैट इज फ्यूचर इज टाइम टी वन. सो यहां पे क्या क्या डिसाइड करना पड़ेगा? यहां पे तो पहले टाइम, कि किस टाइम पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा. देन हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि एसेट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है. एसेट क्वांटिटी टाइम क्वालिटी क्या है, ओके. सो दीज आर लाइक बेसिक पैरामीटर्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होंगे. मान लो कि यू आर बायर, यू वांट टू बाय सम कमोडिटी इन फ्यूचर. से यू वांट टू बाय दिस पेन फ्रॉम मी इन फ्यूचर. And I will be selling you this pen in future at time T1. So pen ka specification like and quantity. So you want 1000 pens. So ye quantity, maine asset bata diya ye pen and time at the le lo like say 6 months ke baad mein aapko khareedna hai, theek hai. And then quality as in is particular case mein specification hoga. So ye sare parameters decide honge, theek hai. So mere paas mein abhi ye pen hai. तभी मैं सेलर बन रहा हूं इन फ्यूचर, ठीक है. सो आई ओन असेट. इट इज नॉट नेसेसरी इन रियल लाइफ टू ओन असेट. ऐसा हो सकता है कि मान लो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर है तो अभी यू डोंट ओन इट, यू विल ओन इट आफ्टर सर्टन टाइम, ठीक है. बट अभी यू हैव राइट टू ओन इन फ्यूचर, राइट. सो ओनर ऑफ द असेट. नाउ सिंपल क्वेश्चन, जो ओनर ऑफ द असेट है एंड देन you have like the person who will buy this asset in future. So there is some concept called long asset. So who is long here? Buyer is long. और कोई? सब बायर कह रहे हैं. फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, हु इज लॉन्ग असेट और लॉन्ग ऑन असेट. सेलर राहुल इज चेंजिंग हिज आंसर. क्यों? तो फिर सेलर क्या हुआ? नहीं, एक्सपेक्ट टू इंक्रीज वगैरह में तो अभी जा ही नहीं रहा है. आई एम जस्ट आस्किंग लॉन्ग असेट, लॉन्ग ऑन असेट. या पेन इज लॉन्ग ऑन असेट? नो, पेन इज नॉट लॉन्ग ऑन असेट. या ठीक है, सेलर ओन्स दी असेट ऑलरेडी, यस. सो हमेशा एक फर्क याद रखना, लॉन्ग ऑन असेट और लॉन्ग असेट, कोई इसमें बहुत ऑन फ्यूचर्स, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है. लॉन्ग ऑन असेट इज डिफरेंट, लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स इज डिफरेंट. लॉन्ग ऑन असेट कौन होता है? जो ऑलरेडी असेट होल्ड करके है
वो होता है लॉन्ग ऑन असेट. इफ आई होल्ड दिस असेट सो आई एम लॉन्ग ऑन असेट. ठीक है. एंड लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स, जो फ्यूचर्स ओन करता है, मतलब जो हुई लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स, इसने बाय करके रखा हुआ है. इफ ही इज अ बायर, दिस पर्सन, यू आर अ बायर ऑफ फ्यूचर्स, सो यू आर लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स. ठीक है. ये एक स्पेसिफिक डिफरेंसिएशन ना इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसा हो चुका है कि लॉन्ग ऑन असेट दिया हुआ है. ठीक है. पूरी पोजीशन लॉन्ग ऑन असेट एंड शॉर्ट ऑन असेट दी हुई है एंड क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करके फिर उसके ऊपर चले जाता है, फॉरवर्ड्स के ऊपर, फ्यूचर्स के ऊपर. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती कर दी कि लॉन्ग असेट को ही लॉन्ग फ्यूचर्स समझ लिया. ठीक है. सो रिमेंबर दिस. सो लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स. So your position when you buy, please repeat the difference. The asset holder, जो asset hold कर रहा है, he is considered as a long on asset. ठीक है. And then there is a long on futures. Long on futures है जो buy करता है. So long position is a buyer, okay, or owner. It can be a buyer or it can be a owner, right? So long on futures as in जो futures में asset buy करने वाला है. ठीक है. So, जब ये आप स्टॉक बाय करते हो, ठीक है. सो व्हाट डू वी से, लॉन्ग स्टॉक, राइट, और लॉन्ग ऑन स्टॉक, सिंपल. सो अभी आपने बाय कर लिया. अगर आप इसी को फ्यूचर में बाय करने वाले तो आप क्या कहोगे? डेफिनेटली नॉट लॉन्ग ऑन स्टॉक. यू आर नॉट लॉन्ग ऑन स्टॉक, राइट? इट विल बी लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स. एग्जैक्टली. सो दैट्स द पॉइंट. ठीक है. कि ये फर्क है दोनों में. लॉन्ग ऑन एसेट, लॉन्ग ऑन स्टॉक्स एंड लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स इज डिफरेंट. नाउ अगर एक पर्सन लाइक यू आर लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स, सो वन, आर यू अफ्रेड ऑफ प्राइस इंक्रीज or price decrease? Like what you want to protect yourself from? Increase or decrease? आपको किससे problem है? Price increase से या price decrease से? Decrease, someone is saying. Price increase. Simple question, long on futures. If your position is long on futures, then are you afraid of price increase or price decrease? Price decrease, price decrease. Yasir is saying price decrease, okay. The long price fall causes adverse impact for long, yeah, okay. Okay. So those who said decrease, answer is incorrect. Okay. So correct answer is increase. Why so? अब इसको ना अगर थोड़ा सा एक businessman वाले angle से सोचो, ठीक है. So ये जो पूरा का पूरा futures, forwards, options, पूरा जो section है, अगर इसको थोड़ा layman's वाले angle से अगर सोचो तो things become very easy. Exam में confusion कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा. ठीक है. Instead of going into the technical details. टेक्निकल डिटेल्स में जाना चाहिए बट समझते वक्त यू डोंट नीड टू गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स. नाउ सी, इफ यू आर लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स, मतलब क्या हुआ, आप फ्यूचर में एक असेट बाय करना चाहते हो. आई सेड दिस पेन, ठीक है. सो आज इस पेन की प्राइस डिसाइड हो जाएगी. से प्राइस इज $10, ठीक है. मतलब एट T1 मैं $10 में आपको पेन बेचूंगा एंड यू विल बाय दिस पेन एट $10. सिंपल, ठीक है. इन फ्यूचर इस पेन की प्राइस, तीन एस्पेक्ट्स लेते, तीन केस स्टडीज को डिस्कस करते. फर्स्ट केस इज, अज्यूम करो कि पेन का प्राइस $15 हो गया. देन पेन का प्राइस सेम ही है $10 एंड देन पेन का प्राइस जो है से $5. ठीक. आपको इनमें से You are long on futures. आपको इन तीन केसेस में से किस केस में ज्यादा खुशी होगी? When you will be happy?
लॉन्ग फ्यूचर्स को कब खुशी होगी? निहारिका इज सेइंग इफ इट इज डॉलर फाइव, यासिर इज सेइंग इट इज डॉलर 15. सी आई टोल्ड यू लाइक ना कि होता क्या है, फॉरवर्ड फ्यूचर्स में बेसिक में ही थोड़े थोड़े ग्लिचेस रह जाते हैं, ठीक है. सो वी कैन सी लाइक अलग अलग आंसर्स टेलिंग अस लाइक ये डिफरेंस इन आंसर इज कि हाँ ग्लिचेस होते हैं सभी में. व्हेन द प्राइस ऑफ मार्केट वुड बी ग्रेटर देन 10. ब्रिजेश मिश्रा करेक्ट आंसर, यासिर करेक्ट, रेडमी 9 करेक्ट, रेडमी 9 प्राइम इफ यू कैन चेंज योर लाइक नेम फ्रॉम रेडमी 9 टू नेम इट विल बी बेटर फॉर मी टू टेक योर नेम. ओके देन इफ यू गो लॉन्ग फ्यूचर्स, सो वी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस एंड अफ्रेड टू प्राइस डिक्रीज. सॉरी या इट्स 15 एग्जैक्टली, ठीक है. तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपने प्राइस फिक्सेशन कर लिया, यहां पे आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया राइट, फॉरवर्ड में वी मेड ए कॉन्ट्रैक्ट कि ओके मैं आपको डॉलर 15 सॉरी डॉलर जस्ट अ सेकेंड. सो फर्स्ट केस, आज प्राइस फिक्स हो गया, ठीक. इस फिक्स प्राइस में अगर प्राइस डॉलर 15 हो गया टाइम टी वन, बट यू आर एबल टू बाय द सेम प्रोडक्ट एट डॉलर 10 बिकॉज हमने प्राइस कर लिया, फिक्स कर लिया राइट. सो यू विल बी हैप्पी कि जो चीज 15 की उस टाइम पे मिल रही है यू आर एबल टू बाय इट एट डॉलर 10 राइट. अगर वो 10 की रहती है तो देर इज लाइक नो गेन और लॉस फॉर एनी ऑफ अस, ठीक है, जो भी किया सही किया. और अगर वो प्राइस गिर जाती है इफ से इट इज डॉलर 5, तो क्या हुआ ना कि जो प्रोडक्ट की और जो असेट की प्राइस रियल मार्केट में डॉलर 5 है वो आपने मेरे से डॉलर 10 में खरीदनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है. सो यू विल बी अनहैप्पी राइट. सो डॉलर 5 में लॉस होगा, डॉलर 15 में गेन होगा. नाउ द रूल इज वेरी क्लियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल. लॉन्ग on futures, of course. So in future, like यहां से आगे जब भी मैं long की बात करूंगा, so I'll be talking about long on derivatives. ठीक है, asset मैंने सिर्फ long on assets से समझाने के लिए एक बार बताया, so that you remember the difference. But now onwards, long is option, simply the derivative. Okay? So the long gains when on price increase. Or is happy on price increase, or loses on price decrease. So this is a fundamental rule. ठीक है. So rule is very clear. अब ये जो है ना forward and future, so इसमें एक payoff का calculation होता है. Payoff का calculation कैसे होता है? So यहाँ पे तो कैसे बात कर रहे हैं ना कि मैं ये pen आपको deliver कर दूँगा, ठीक है. So, yeah, so you will buy this pen at $10. Market mein price is $15. ठीक है. So you got this pen at $10 instead of $15. So you saved $5. Fine. अब ये settlement होगा, मतलब at the T1 we will settle our contracts. हम लोग अपनी position clear करेंगे. जो contract हमने आज किया हुआ है उस contract को at T1 we will settle. Right. So, ये सेटल करने के दो तरीके, यू कैन either गो विद द कैश सेटलमेंट और सेटलमेंट बाय डिलीवरी. सो वी कैन हैव द कैश सेटलमेंट और सेटलमेंट बाय डिलीवरी. अब देखो ये सेटलमेंट बाय डिलीवरी हमेशा फिजिबल ऑप्शन तो है नहीं, क्यों? सिंपल आंसर कि आप कोई लोकेशन में हो, मैं कोई लोकेशन में हूं, अब ये कमोडिटी और जो भी एसेट है अंडरलाइंग है वो मेरे लिए डिलीवर करना हर बार पॉसिबल नहीं है राइट. सो मे बी जिन टाइम पे सेटलमेंट बाय डिलीवरी इज नॉट एन ऑप्शन, ऑब्वियसली सेटलमेंट बाय डिलीवरी हो सकता है. सेटलमेंट बाय डिलीवरी में क्या होता, मैं आपको ये पेन देता, आप मुझे $10 देते, सिंपल ट्रांजेक्शन था. सेटलमेंट बाय कैश में क्या होगा, मैं आपको क्या बोलूंगा कि देखो मार्केट में ये पेन
$15 में मिल रहा है, मैंने कहा था कि मैं आपको ये $10 में दूंगा, ठीक है, आपको घूम फिर के मतलब ये है ना कि आपको $10 में ये पेन खरीदने मिले। सो आप एक काम करो, जो $10 आप मुझे देने वाले थे टू बाय दिस पेन, राइट, वो $10 आप अपने पास ही रखो, डोंट बाय दिस पेन फ्रॉम मी, मैं आपको $5 देता हूं। सो टोटल आपके पास में कितने डॉलर हो गए, $15, और आप जाके मार्केट से पेन खरीद लो, सिंपल। सो यहां पे मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ फिजिकली डिलीवरिंग यू दिस पेन, सिंपली ये जो $5 है ना वो ट्रांसफर कर दिया, दिस इज पे ऑफ, मैंने $5 ट्रांसफर कर दिया और कहा कि डू वन थिंग, यू बाय इट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, सो डिलीवरी, सेटलमेंट बाय डिलीवरी, सेटलमेंट बाय कैश, इसी से पे ऑफ डायग्राम क्रिएट होता है। पे ऑफ डायग्राम कैसे क्रिएट होता है, सो जो एग्जांपल लिया ना हमने, ठीक है, उसी को जैसे मैंने सिंपल ले लिया, प्लीज रिपीट एग्जैक्टली विच पॉइंट यासिर, टेन एंड फाइव, ओके, सो टेन प्लस फाइव, ओके फाइन, सो यू वॉन्ट एक्सप्लेनेशन फॉर कैश सेटलमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट इज यू विल बाय दिस पेन फ्रॉम मी एट $10, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, सो यू पे ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूं मैं, You pay $10. This is our contract. This is our time T1. And I give you pen. Right? So, मैं ये physically deliver करूंगा. And you will pay me $10. अब मान लो ये सब possible नहीं है. Physical delivery possible नहीं है. ठीक है. So, at the end, आपको मतलब क्या चीज़ से? You want to hold this pen at time T1. आपके पास में एसेट आने से मतलब है ना, अब वो मेरे से आए या मार्केट से आए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा मतलब किस चीज से, कि प्राइस फिक्स होनी चाहिए, प्राइस अगर एक बार फिक्स हो गई है तो यू विल गो विद दैट प्राइस, राइट। सो नाउ सी हियर, इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग यू दिस पेन फिजिकली एंड यू पेइंग मी $10, मैं क्या करूंगा, मैं आपको बोलूंगा आई विल डू वन थिंग, यू डोंट डिलीवर मी और यू डोंट पे मी $5, आई विल सिंपली pay you $5, sorry, you don't pay me $10, I will simply pay you $5, ठीक है, market में ये pen का rate क्या चल रहा है, $15, आप market में जाओ और $15 में ये pen खरीद लो, तो ये $15 कहां से आएगा, एक तो वो $10 जो आप मुझे pay करने वाले थे पहले, ठीक है, और एक ये $5 जो मैं आपको pay कर रहा हूं, तो आपकी जेब से कितना गया, $10, सो कॉन्ट्रैक्ट क्या था फ्यूचर्स का, कि ये पेन आप मेरे से $10 में खरीदेंगे, आपकी जेब से कितना गया, $10, जो भी बचा वो ऊपर का था वो किसने पे किया, मैंने, सिंपल। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी बेसिक। सो आपको पेन मिल गया, $10 जेब से गए, दिस वॉज अ ट्रांजेक्शन। अब इसी की अपोजिट साइड भी है, अपोजिट साइड क्या है, अगर वो 5 का होता, अपोजिट साइड आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट थ्रू ग्राफ, बट ग्राफ की जरूरत नहीं है, वी कैन ऑल्सो गो वाया लाइक नॉर्मल डिस्कशन। नाउ सी हियर, अगेन कैश सेटलमेंट की बात चल रही है, एट T1 अंडरलाइन का जो प्राइस है इट इज $5, ठीक है। सो फिर से सेम केस ले लेते हैं, केस क्या था अभी, यू विल पे मी $5, ठीक है, सॼी यू विल पे मी $10 एंड आई विल डिलीवर यू दिस
पेन, राइट? सो डॉलर टेन रिसीव करूंगा मैं और पेन डिलीवर कर दूंगा. अगेन वही बात है कि क्या इतना तामझाम करना पेन डिलीवर करना है नॉन. सो माय रिकमेंडेशन टू यू इज कि आपका कंसर्न क्या था कि आप मार्केट से पेन खरीद लो, ठीक है, आपको तो पेन रहने से मतलब है ना आपके पास में. दिस लॉन्ग वॉन्ट्स टू होल्ड द पेन, राइट? अब सेम पेन मार्केट में डॉलर फाइव में मिल रहा है, ठीक है, दिस इज द पेन, ये मार्केट में डॉलर फाइव में मिल रहा है. व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि आप मार्केट में चले जाओ और मार्केट से खरीद लो एट डॉलर फाइव, गुड. अब प्रॉब्लम क्या है कि बात तो ये हुई थी ना कि यू विल यू वॉन्ट दिस पेन एट डॉलर टेन. बिकॉज यू वॉन्ट दिस पेन एट डॉलर टेन, सिंपली यू बाई इट फ्रॉम द मार्केट एट डॉलर फाइव एंड देन पे मी डॉलर टेन, डॉलर फाइव, ठीक है, ये समझा. मार्केट से पेन बाई किया, मार्केट से पेन बाई किया तो यू हैव प्लस पेन, एक पेन आ गया आपके पास में. देन यू पेड डॉलर फाइव टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट एंड देन यू पेड मी डॉलर फाइव, सिंपल, ठीक है, ये समझ में आया कि यहां पे क्या हुआ. सो टोटल योर आउटफ्लो इज डॉलर टेन एंड प्लस वन पेन, ठीक है, माइनस डॉलर टेन प्लस पेन, बोथ द केसेस, नो मैटर व्हाट इट इज, जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है वही फुलफिल होगा. मेरे लिए यहां पे क्या है, मैं अगर ये पेन जाके इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू यू, अब मुझे थोड़ी पेन चाहिए एट टी वन, मैं जाके ये मार्केट में सेल करके आऊंगा, ठीक है. सो मुझे मिलेगा डॉलर टेन, डॉलर फाइव, राइट, प्लस जो आपने जो डॉलर फाइव दिया हुआ है. सो डॉलर फाइव प्लस डॉलर फाइव, इट इज डॉलर टेन, आई गॉट डॉलर टेन. सो डॉलर फाइव प्लस डॉलर फाइव मिला सेल करके डॉलर फाइव जो आपने मुझे पे किया, सिंपल. कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि आपको पेन चाहिए और मुझे डॉलर टेन चाहिए एट टी वन, एट टी वन. सो यू गॉट पेन, राइट, एंड आई गॉट डॉलर टेन, हो गया, सिंपल. ये सेकेंड साइड उसकी कि मुझे क्या है, मतलब मुझे क्या एडवांटेज है अगर इफ वी एंटर इन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, राइट. एनी क्वेरी ये पॉइंट तक के? एनीवन विथ क्वेरी, लाइक किसी को भी अगर क्वेरी हो तो यू कैन आस्क. तब तक के आई प्रोसीड विथ डायग्राम. दिस इज एस जीरो, अंडरलाइन का प्राइस मूवमेंट. दिस इज पे ऑफ, ठीक है, ये है डॉलर टेन, दिस इज डॉलर फिफ्टीन, दिस इज डॉलर फाइव, ओके. आई होप नो वन हैज एनी क्वेरी. So, यहां पे ऑफ प्लॉट कर लेते हैं. ओके. नाउ दो पोजीशंस है, राइट, एक लॉन्ग की पोजीशन है, एक शॉर्ट की पोजीशन है. मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हुई है यहाँ पे, एक रेड है एक ब्लू है. सो नाउ टेल मी कौन सी लाइन किसके लिए होगी, मतलब लॉन्ग का पे ऑफ कौन सा होगा और शॉर्ट का पे ऑफ कौन सा होगा.
पे ऑफ अभी देख लिया हमने, राइट। ब्लू फॉर शॉर्ट, रेड फॉर लॉन्ग, राइट। ठीक है, सो लॉन्ग पे ऑफ एंड शॉर्ट पे ऑफ, सिंपल, बहुत ही बेसिक। लॉन्ग पे ऑफ रेड में जाएगा, शॉर्ट पे ऑफ ब्लू में आएगा। कैसे? सिंपल है, अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर 15 होता है, राइट, तो 15 में लॉन्ग को मैं शॉर्ट पे करूंगा, तो फॉर मी दिस इज -5 एंड फॉर यू दिस इज +5। ठीक है, एंड अगर हम ऑपोजिट सिनेरियो अज्यूम करते तो $5 अगर हो गया तो आई विल गेन व्हेन प्राइस फॉल्स, क्योंकि सिंपल है, सोचने के लिए दो अल्टरनेट अवेलेबल है। पहला तो सिंपल लॉन्ग और शॉर्ट वो याद रख लो कि हु गेन्स व्हेन, एंड सिंपल दूसरा तरीका ये कि मैंने तो सेल करने का बात किया था, राइट, $10 में, तो मैं वो असेट जिसका प्राइस $5 है उसको $10 में सेल कर पा रहा हूँ, सो आई एम गेनिंग, राइट। सो सिंपल, मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? $5 का। एंड योर लॉस, जो असेट मार्केट में $5 का है, यू आर बाइंग द डॉलर प्राइस असेट एट $10, सिंपल, यू आर एट लॉस, सो लॉन्ग इज एट लॉस। So, हमेशा ये याद रखना है कि ये जो दोनों ग्राफ्स होते हैं ना, दोनों लाइंस, ये एक दूसरे की मिरर रिफ्लेक्शन होती है, कंपल्सरीली, देयर इज नो एक्सेप्शन। ऐसा होने का रीजन, द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर किसी भी मार्केट में एक रूल याद रखो, फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी सेलर, ठीक है, उसी तरीके से इफ समवन इज गेनिंग, ओके, देन देयर आर पीपल who are losing on it. So if someone gains, then there are people who loses. So here, if you are gaining, you are holding long position, then I'm losing. And I have to lose the equal amount so that you can gain that amount. Right? So, ye balance mein chalta hai. There is equilibrium in that. Theek hai? In similar fashion, if I'm gaining, then you have to lose. You must lose the same amount so that I can gain on it. Simple. So ye discussion hai. अब ये रूल जो है ना, ये सेम रूल अप्लाई करते जाएंगे आगे भी। सो ये रूल को याद रखने का एक बहुत ही नेसेसरी रीजन है ये ना, उससे क्या होता है, आपके साइड के कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। सो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हमेशा लॉन्ग पकड़ो और उसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन लॉन्ग के हिसाब से कर लो। आपका आंसर मान लो लाइक $500 गेन आया, गेन फॉर लॉन्ग, लॉन्ग के हिसाब से $5 गेन आया, और क्वेश्चन था शॉर्ट के लिए, सो ऑब्वियसली दिस विल बी लॉस फॉर शॉर्ट $500, सिंपल, अपोजिट आंसर टिक कर दो लाइक दैट। ये ट्रिक का बेनिफिट अभी नहीं समझ में आएगा, लॉन्ग शॉर्ट में भी, लाइक फॉरवर्ड के केस में और फ्यूचर्स के केस में, जैसे ही ऑप्शंस के में मूव करेंगे ना, सडनली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ऑलवेज फॉलो लॉन्ग का रूट, हमेशा लॉन्ग पकड़ के चलो, एंड देन यू कैन गो विद द शॉर्ट, डायरेक्टली अपोजिट साइन लेके शॉर्ट में स्विच कर सकते हो, दिस बिग थिंग्स बिकम वेरी इजी इन दिस सिनेरियो, ओके। So you get longer short का discussion. Now next, इसमें कोई confusion यहां तक के? No. ठीक है, कॉन्सेप्ट भी वैसे लाइक नॉर्मल है, बहुत ज्यादा उसमें
वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, ठीक है. सो ऑप्शंस या फॉरवर्ड्स, सॉरी फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, सो ये दोनों के दोनों सिमिलर ही चलेंगे, ये याद रखेगा, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स. सो फॉरवर्ड जो है वो 1-to-1 होता है, बाकी सब सिनारियो सेम है, बट फॉरवर्ड इज 1-to-1. फ्यूचर्स इज जस्ट स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ फॉरवर्ड, सब कुछ सेम एक्सेप्ट यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन होगा, क्या चीज का, तो यहाँ पे डिलीवरी का टाइम फिक्स होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, एक्सचेंज, ठीक है, एवरीथिंग विल बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय एक्सचेंज. सो डिलीवरी टाइम, देन क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी में भी कॉन्ट्रैक्ट साइज, लाइक मिनिमम बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, कि इतना कम से कम खरीदना पड़ेगा आपको. ओके, क्वांटिटी मींस एक कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कितना, एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज मींस लाइक टोटल लॉट साइज जो होता है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने खरीदने पड़ेंगे, और से लॉट साइज, लॉट साइज जरूरी नहीं है वैसे, यू कैन इग्नोर इट. एंड ठीक है, डिलीवरी टाइम, क्वालिटी, ऑफ कोर्स लाइक कमोडिटी, आई एम अज्यूमिंग असेट हियर, कि असेट डेफिनेटली वो डिसाइडेड ही होगा, असेट के ऊपर ही चल रहा है, तो ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे, डिलीवरी टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय एक्सचेंज. ये पूरे इसमें कुछ और छूट रहा है मेरी साइड से, इफ यू कैन ऐड, देन आई हैव वन काउंटर क्वेश्चन. डिलीवरी लोकेशन, ओके, ठीक है. इनमें से एक पॉइंट गलत है, वो कौन सा है, ठीक है, डिलीवरी टाइम, लाइक अगेन वी कैन ऐड, लाइक एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनीवन, लाइक एक पॉइंट गलत है, वो कौन सा है, दो आंसर्स आ गए. आंसर्स बाकी एग्जाम में ना, ये क्वेश्चन जो है ये ट्रिक पॉइंट है, और ये टेस्टेबल है एग्जाम में, काफी बार गार्फ ने पूछा हुआ है, इसलिए मैं जानबूझ के ये वाला पूछ रहा हूं. डिलीवरी लोकेशन, ओके, नो नो, इट इज अनकंडीशनल, मतलब एडिशनल कंडीशन लेके नहीं, एक आइडियल सिनारियो, स्टेबल सिनारियो मान के. डिलीवरी लोकेशन, इफ इट इज कैश सेटलमेंट, इट इज लाइक यू आर एडिंग एडिशनल कंडीशन, इफ इट इज कैश सेटलमेंट, आई एम अज्यूमिंग लाइक एक आइडियल सिनारियो में यू हैव टू आंसर.
एंड लाइक आई गॉट ओनली लाइक टू आंसर्स स्पेसिफिकली ओमिट इफ इट इज कैश सेटलमेंट ओके क्या चीज ओके कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइस एक्सचेंज नहीं डिसाइड करता है वेयर डू वी सी द प्राइस फ्यूचर्स के केस में ऑफ कोर्स एक्सचेंज बाई टर्मिनल प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज So why you are saying ki exchange is delivery from spot? Yeah. So why are we saying ki exchange price nahi decide karta hai? Why exchange? Why you are saying like price is not decided by the exchange? Function exactly. प्राइस इज ओनली प्रोवाइडेड बाई द एक्सचेंज मतलब कि क्या चल रहा है उसका सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इट इज डिसाइडेड बाय बायर एंड सेलर दोनों मिलके कि इतने में सेल करना है इतने में बाय करना है सो दिस इज हाउ इट वर्क्स सो प्राइस इज जस्ट कोटेड और प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज हमेशा याद रखो सो वट इज एक्सचेंज एक्सचेंज इज वन पर्टिकुलर सेटअप और ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन सिंपली कॉल इट एज एक्सचेंज विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग द फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर फ्यूचर्स एक्सचेंज की बात करें तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो फैसिलिटेट करेगा वो एक्सचेंज ठीक है सो फ्यूचर्स एक्सचेंज सो वहां पे क्या होगा यू कैन सी द प्राइस यू कैन बाय दिस असेट और यू कैन बाय द सिक्योरिटी और डेरिवेटिव फ्यूचर्स And then you can sell these derivatives, right? So this is the basic structure you have to remember. And forwards mein, you don't need exchange. You can go, this is one-to-one contract. Exchange ke case mein, simple. This is exchange. There are so many sellers, so many buyers. Jiska price, jiska quality, jiska time of delivery pate, wo apna decide kar le, uske hisab se trades execute ho jayenge. Theek hai? So this is about the futures. So what are the futures? Futures are just standardized forwards. Finish. Standardized forwards and traded in the exchange. This is the futures. Now options. Options is the most important, highly tested discussion. Options, two type of options ke yahan pe. What can be the real life example of exchange? We have that like MCX is the exchange or multi commodity stock exchange, right? So exchange is in, it is just a setup, okay? So it is just an organization which facilitates your trades. I'm still like maybe example as in you asked about I know about the, like say multi commodity stock exchange and then you have Sarafa Bazaar okay real life example as in layman's example like non financial example you're asking now gold exchange is also coming yeah Sarafa Bazaar for gold can be called as an exchange yeah theek hai But it is for this, ठीक है, so we can say in that format, like real life, I thought you are asking for the example, ठीक है, so this is about the exchanges, exchange forwards, sorry, forwards futures and the exchanges. Now, next discussion is about, यहाँ तक अगर किसी को doubt है तो you can ask, and we have like further discussions, okay. So, यहाँ पे सिर्फ है ना बेसिक आइडिया सब चीजों का ओवरव्यू लेके आगे बढ़ जाना है सो दैट वी कैन डिस्कस थिंग्स इन डिटेल इन कमिंग डिस्कशंस कमिंग चैप्टर्स राइट सो ऑप्शंस इन ऑप्शन किसी को डाउट है वो पूछ सकता है आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑप्शंस में दो ऑप्शंस है टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉल
पुट, ठीक है। कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय, पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल। ओके, सो दिस इज राइट टू बाय, दिस इज राइट टू सेल, ठीक है। अगेन नाउ यहां पे एक क्वेश्चन, हु इज लॉन्ग ऑन ऑप्शन एंड हु इज शॉर्ट ऑन ऑप्शन। Again, question, who is long on option, who is short on option. So, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ. So, who is long on option, who is short on option. A long, B short. और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। लॉन्ग ऑन ऑप्शन, लॉन्ग ऑप्शन, शॉर्ट ऑप्शन, या हु इज लॉन्ग ऑप्शन, हु इज शॉर्ट ऑप्शन। ओके, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। Who is buyer of option, who is seller of option? Same, long on option, short on option का ही एक और version दे दिया मैंने, buyer and seller, same ही है, long is buy and short is sell. In case किसी को नहीं पता, you can ask, like, अगर इन सब चीजों में भी doubt है तो, so long is buyer, buyer's position is called as long position, seller's position is called as short position. Okay. Aarti, any other answers? A is long, B is short. B, buy the put option. B buys the put option and takes the short position. Short position in what, Aarti? Short position in what? Jaldi, jaldi, jaldi. इसके answers ना सही होना compulsory नहीं है, answers गलत हुए तो भी चलता है. It is just to provoke a thought, एक जो रहता ना कि कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना, एक डिफरेंशिएशन दिमाग में डालना, ये पर्पस है, नॉट टू चेक योर नॉलेज और टेस्ट योर नॉलेज. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. ये ना लोगों का एफआरएम पार्ट वन निकल जाता है, उसके बाद भी ये कंफ्यूजन रह जाता है. आई नो लाइक एटलीस्ट टू और थ्री पीपल हु क्लियर्ड एफआरएम पार्ट वन, नेवर क्लियर्ड एफआरएम पार्ट टू, बट लाइक आफ्टर, इवन आफ्टर क्लियरिंग एफआरएम पार्ट वन, इस टाइप के कंफ्यूजन थे, बचे हुए थे. So,
short position on underlying asset. We buy the put option and takes the. So I'm not asking about the like short position on underlying or long position on underlying. Okay. So I'm simply asking who is long option, who is short on option, or who is buyer of option, who is seller of option. So like Yasir said, A is long, B is short. So I'm assuming he's saying about like on option. If okay, so remember, मैं explain करना चालू करता हूँ. I'm assuming like कि answers आपके आ चुके हैं. So ये जो call है ना, call एक separate option है. Call is option. इसमें दो position होंगी. एक होगा long option. एक होगा शॉर्ट ऑन ऑप्शन. ठीक है. और ये जो बी है, बी में ए इज द बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, बी इज द बायर ऑफ पुट ऑप्शन. या एंड देन बी में भी बी इज ऑल्सो लाइक पुट ऑप्शन इज ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन लाइक अदर ऑप्शन, जिसमें भी लॉन्ग ऑप्शन एंड शॉर्ट ऑप्शन होगा. Both will have long and short position because see, this is contract. Call is contract of right to buy. Contract में right क्या मिल रहा है? Right to buy मिल रहा है. तो obviously ये जो right है, assume this as a security. यहाँ पे कोई security का number लिखा हुआ है. ये पूरा का पूरा contract है. ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं. ये पूरा का पूरा contract है, which is called as call. नाम इसका call है. This is right to buy. ठीक. सो ये जो राइट टू बाय जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई बाय करेगा, वो कोई सेल करेगा, है ना? ये सिक्योरिटी है, राइट? डेरिवेटिव है. सो इस डेरिवेटिव को कोई सेल करेगा, कोई बाय करेगा. तो जो सेल करेगा उसकी पोजीशन, ही इज शॉर्ट. He is shorting the option, short option. ठीक है. और जो खरीदेगा वो long option, right? इस seller को, seller of option, any option, any option. Remember, seller of any option is also called as writer of the option. ठीक. So it can be anyone. Like always remember ki usse wo call ya put usse koi matlab nahi hai. Seller is called as writer of the option. Theek hai. So seller ko teen naam, sell, short, like short option matlab sell, sell matlab sell, then writer of the option matlab bhi seller of the option. Theek hai. Buyer ke case mein buy, long, right. Ye ho gaya, ye ho gaya call option. To kya sell ho raha hai yahan pe? Right to buy sell ho raha hai. और क्या बाय हो रहा है? राइट टू बाय हो रहा है. तो ये राइट टू बाय जो है, ये है कॉल. ठीक है. अब राइट टू बाय दिया कैसे जाता है? सो राइट टू बाय ऐसे दिया जाता है. सेम मैं पेन का एग्जांपल लूंगा. यू कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ स्टॉक. जब थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे तो देन वी विल सी. लाइक मैं आपको एक आई एम जस्ट ट्राइंग एक वर्चुअल वाला जो होता है ना टर्मिनल, उसमें भी लाइक वी विल सी हाउ द थिंग्स आर डन, ऑप्शन चेन वगैरह, जैसे विजुअल दिखाने के हिसाब से. For now, remember, like this is the pen. ठीक है. So I give you option on the pen. I give you, I am seller, writer, or I am short on the option. This is call option. I give you right to buy this pen at $10. ठीक है. ये पेन को हटा के स्टॉक लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टॉक को हटा के और कुछ गोल्ड लिखो, जो मन में आता है वो लिखो. It doesn't matter. Concept is important. ठीक है. So ये पेन है. Pen at $10. ये मैंने right to buy. I gave you right to buy. ठीक है. So अब तीन सिनारियो है. Again, $15, $10, $5.
इन विच केस यू विल एक्सरसाइज योर राइट. एक्सरसाइज मतलब आपके पास में राइट है, ठीक है, यू आर लॉन्ग ऑन ऑप्शन. तो आप कब ये राइट जो है वो एक्सरसाइज करोगे? रिमेंबर दिस, इफ यू हैव राइट, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है. इफ यू वॉन्ट टू यूज योर राइट, यूज इट, लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट. सी, इफ यू वॉन्ट टू यूज इट, यूज इट. इफ यू डोंट वॉन्ट टू यूज इट, डोंट यूज इट. नो वन इज स्टॉपिंग यू. सो राइट में कंपल्शन नहीं होता, राइट इज ऑप्शनल, ठीक है. सो राइट इज ऑप्शनल हमेशा. सो इफ यू वॉन्ट टू यूज योर राइट और नॉट यूज योर राइट. सो वेन यू विल यूज योर राइट and when you will not use your right. Simple, like 15, we are getting correct answers. So, jab ye 15 hoga, you will use your right to buy this pen at $10. Simple. Why not at 10 or 5? Use karke matlab nahi hai na. Better hai bahar se khareed lo. Bahar se khareedoge to $5 में खरीद पाओगे. सो वाई यू विल बाय इट फ्रॉम मी, ठीक है. अब यहां पे देखो, ये जो है ना, ये लग्जरी है कि यू आर गेटिंग राइट. आपको चॉइस मिल रही है कि लेना है या नहीं लेना है, ठीक है. सो इस पर्टिकुलर सिनारियो में ना, इफ यू आर बायर ऑफ द ऑप्शन, सो यू विल सी कि जब वो बेनिफिशियल है तभी यू विल बाय इट. इफ इट इज लॉस मेकिंग, सुजय घोष, ओके. सो इफ इट इज लॉस मेकिंग देन डेफिनेटली यू विल नॉट, लाइक यू विल नॉट एक्सरसाइज योर राइट. अभी जो राइट है, इस टाइप की जो फैसिलिटी है वो फ्री में तो आएगी नहीं, है ना. तो क्योंकि ये फ्री में नहीं आएगी, इसके लिए यू विल पे मी प्रीमियम, ठीक है. प्रीमियम कैन बी से आज मुझे $1 पे करो, आई विल टेक $1 एंड देन आई विल गिव यू राइट. So you are buying, I am selling, right? And you will long only if, you will use your right only if it is in your favor. So this type ki special luxury jo hai, for that you have to pay the premium. Same jo premium hai na, wo futures ya forwards mein nahi applicable tha. Reason, kyunki both had that right and both the parties long and short had the obligation and the right as well, right? So dono position thi. Agar maine sell kiya hua, then I have to compulsorily sell. If I am long on futures, then I have to compulsorily buy. If I'm long on forwards, then I have to compulsorily sell. Remember this. But option mein aisa nahi hai. Option mein, if someone is long on option, then he gets the right. He has the option. If he wants to use it, use it. If you don't want to use it, don't use it. So, kahi pe main option bol raha hu, kahi pe main right bol raha hu, right? So, ye right kya hai? Right to buy. And your optional hai, right to buy optional hai. Isliye ye derivative isko option kaha jata hai, because I am giving you option and that option is right to buy. So kiske upar right hai? Mere upar. I am the short. So ye jo short hai, iske upar kya hai? Obligation. So obligation kya hai? If you want to exercise your right, then I have to fulfill your requirement. That is the obligation. ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं बेच सकता. मैं यहां पर आके नहीं बोल सकता कि नहीं 5 में खरीदो. Not possible. I will always and always sell you this, like sell you this if you want. It is not in my hand. So this is how the option works. This is how the right to buy works. So simple है. Premium pay करना है. Date decided होगी at time T1. Of course, जैसे हम लोग लेते हैं, it can be 3 months, 6 months, and so on. So, जिस भी टाइम पे ये सब डिसाइडेड है, उस एक्सपायरेशन डेट उसे बोलते हैं. सो T1 इज एक्सपायरेशन डेट, उस डेट को एक्सरसाइज डेट, उस डेट पे ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा. उस डेट पे चेक करेंगे कि एक्सरसाइज जो उसकी प्राइस है, ठीक है, एक्चुअल प्राइस वो क्या है ऑन एक्सरसाइज डेट. सो इट इज $5, $10 और $15, जो भी होगा उसके हिसाब से विल गो. सिंपल. So $15 ले लो, $10 ले लो, $5, and think about this case. कि क्या होगा? Just think about it. ठीक है, हो गया.
जस्ट विजुअलाइज करना था। अब आगे बढ़ते हैं। सेम जैसे ऑप्शन था कॉल, वैसे ही एक पुट ऑप्शन है, ठीक है। पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी देर इज सेलर, देन देर इज बायर, ठीक है। देर इज वन सेलर, देर इज वन बायर, दिस इज राइट टू सेल। नाउ से अब ये राइट टू सेल में उल्टा होगा, ठीक है। मान लो कि ये पेन मेरे पास में, एंड आई गेव यू, अगर पेन मेरे पास में होगा तो से मान लो आपके पास में कोई एक कमोडिटी है, एंड आई गिव यू राइट टू सेल दैट कमोडिटी टू मी एट $50, ठीक है। मैंने ये दे दिया आपको राइट, उसके लिए क्योंकि मैंने आपको राइट दिया है राइट, उसके लिए मैंने चार्ज किया $5, ठीक है। ये सब जो है इसका जो चेक करेंगे, मतलब ये जो एक्सरसाइज डेट है वो है 6 months, ठीक है। नाउ अगेन हम लोग तीन केसेस ले लेंगे अपने हिसाब से। $40, $50, $60। सो व्हेन यू विल एक्सरसाइज योर राइट, क्विकली सेलर इज लॉन्ग और सेलर इज शॉर्ट, लाइक नियरिका आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लाइक सेलर लॉन्ग बायर शॉर्ट का मतलब। ओके सॉरी यू रोट द अदर वे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एट $40 ये जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज होगा, ठीक है। 50 और 60 पे नहीं होगा, रीजन इज वेरी सिंपल। सो यू गेट द राइट टू सेल एंड दैट कमोडिटी हैज लाइक से जो भी उसकी प्राइस एट द टाइम T1 इट इज से 60। अगर वो 60 है तो आप बाहर बेचोगे, मुझे क्यों बेचोगे राइट। अगर वो 50 है तो कहीं भी बेचो, कोई ऑप्शनल है वो, तो कोई कंपल्सरी है नहीं। एंड इफ इट इज एट $40, अगर मार्केट में $40 में बिक रही है, सो यू विल डेफिनेटली सेल इट टू मी राइट। सो मुझे जब बेचोगे तो आई विल गिव यू $50, सो दिस इज योर एडवांटेज, दिस इज योर गेन। अब ये जो है ना, जो रेट फिक्स होता है कि किस रेट पे बिकेगा, द प्राइस एट विच दिस पर्टिकुलर कमोडिटी विल बी सोल्ड और बॉट डिपेंडिंग ऑन लाइक ऑप्शन, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। सो दिस डिसाइडेड रेट इज नोन एज द स्ट्राइक प्राइस, डिनोटेड एज एक्स। $5 इज प्रीमियम पेड, ओके। दिस इज टाइम टू एक्सपायरी और एक्सरसाइज डेट। ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ अंडरलाइन, अंडरलाइन इज लाइक जो भी आप डिसाइड करो उसके हिसाब से। सो दिस इज द पुट ऑप्शन। अब रियल लाइफ में ना, जब भी रियल लाइफ एज एन एग्जाम लाइफ में, तो जब भी एग्जाम लाइफ में आप ये सब के बारे में सोचो, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में, देन एट द टाइम डोंट थिंक अबाउट दिस राइट टू लाइक जो कॉल एंड पुट जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में नहीं जाना, ठीक है। मतलब राइट टू बाय एंड राइट टू सेल में सिंपली गो फॉर कॉल इज अपसाइड बेटिंग एंड पुट इज डाउन साइड बेटिंग।
ठीक है, कॉल होल्डर जो है वो अपसाइड बेटिंग कर रहा है, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उसे गेन होगा और प्राइस डिक्रीज होगा तो उसे लॉस होगा। लॉस होगा एज इन ठीक है, मतलब गेन नहीं होगा, यहाँ पे लॉस होगा बोलना इस ठीक है। पुट वाला जो है, जो पुट होल्डर है, ही इज डाउनसाइड बेटिंग, अगर नीचे जाएगा प्राइस, अंडरलाइंग का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो लॉस हो उसको गेन होगा, और अगर ऊपर रह जाएगा तो लॉस होगा। सिंपल। सो इफ आई हैव दिस कॉल जिसका स्ट्राइक प्राइस है 50, टाइम टू एक्सपायरी वगैरह वगैरह से कोई मतलब नहीं है, एंड इसके तीन पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब अंडरलाइंग एट द टाइम T1 एक्सरसाइज करते वक्त से 60, 50 एंड 40। सो क्योंकि कॉल इज अपसाइड बेटिंग, गेन तभी होगा जब अंडरलाइन का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जो है ये इसके ऊपर चले जाए। सो तभी गेन होगा जब ये इसके ऊपर चले जाए। नाउ द क्वेश्चन, इसकी गेन कितना होगा? तो गेन कितना होगा, जो भी डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइन, दिस विल बी योर गेन। इन दिस केस जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें 60 माइनस 40, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू $10 का गेन होगा। अब ये गेन किसे होगा? तो ऑब्वियसली लॉन्ग को, सब कुछ लॉन्ग के एंगल से सोचना है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन इज अबाउट शॉर्ट, तो अगर लॉन्ग को $10 का गेन होगा तो नुकसान किसका हुआ? शॉर्ट का हुआ। तो आंसर, अगर क्वेश्चन में शॉर्ट के बारे में पूछा हुआ है तो सिंपली निगेटिव आंसर पुट करो, लाइक माइनस साइन, हो गया नुकसान शॉर्ट को, सो एक लॉस फॉर द शॉर्ट $10। फाइन, आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल, इसमें तो कोई भी ऐसे डाउट वाला सिनेरियो नहीं है, दिस इज क्लियर। अपोजिट इज ट्रू फॉर पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन इज डाउनसाइड बेटिंग, इफ एक्स इज 50 एंड अगेन थ्री सिनेरियोस, 60, 50 एंड 40, सो पुट ऑप्शन वाले को गेन कब होगा? तो बिकॉज दिस इज डाउनसाइड बेटिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस नीचे जाए, तो मुझे गेन तब होगा जब प्राइस नीचे जाए। किसके नीचे? स्ट्राइक प्राइस के नीचे। तो स्ट्राइक प्राइस के नीचे 40 वाला केस है, राइट? सो व्हाट विल बी द गेन फॉर द पुट एंड लॉन्ग होल्डर, लॉन्ग पुट होल्डर? गेन विल बी 50 माइनस 40। ओके, ये जो लिखते वक्त ना एक्स माइनस एस जीरो लिखा हुआ है, राइट फॉर्मूला इज एस जीरो माइनस एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स माइनस एस जीरो। इट इज इनकरेक्ट टू राइट दिस लाइक एक्स माइनस एस, बट रिमेंबर हमेशा आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो ये एस और एक्स उस सब की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम में एस माइनस एक्स वगैरह ये सब टेस्टेबल भी नहीं है। ठीक है, सो 50 माइनस 40, सिंपल, व्हाट इज द आंसर? 10। सो 10 विल बी गेन फॉर दी लॉन्ग, नुकसान किसका हुआ? शॉर्ट का। सिंपल, ये तरीका है याद करने का। ठीक है, प्लेइंग फ्रॉम डेस्कटॉप T1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्राइस चेक करना है, ठीक है, दिस इज टाइम T0 जब आपने ऑप्शन में एंटर किया, दिस इज टाइम T1 व्हेन द ऑप्शन मैच्योर्स और एक्सरसाइज डेट। ठीक है, सो बात हुई है कि स्ट्राइक प्राइस ऑफ $50 एंड दिस इज कॉल, सो कॉल स्ट्राइक प्राइस $50, इस पर्टिकुलर $50 में, मतलब सॉरी $50, सो अगर कॉल का प्राइस, जो अंडरलाइन का प्राइस है $50 के अगर ऊपर जाएगा, देन दैट कॉल विल बी एक्सरसाइज। ठीक है, फाइन, ये चेक किस डेट पे करना है? क्योंकि प्राइस तो इन बिटवीन, ये मान लो 6 मंथ्स का पीरियड है, तो प्राइस जो है अंडरलाइन की वो तो ऐसे ऐसे मूव होती रहेगी पूरे टाइम, है ना? ऐसे जरूरी नहीं कभी वो 50 के ऊपर जाएगी, कभी वो 50 के नीचे आएगी। तो मुझे कंसर्न है ऑन द एक्सरसाइज डेट, इस डेट पे क्या प्राइस है। हो सकता है कि इस 6 मंथ्स में इसका अपर साइड जो है, अपवर्ड मूवमेंट, टॉप जो है वो 70 पे गया हुआ है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट केयर कि वो 70 पे जाए या किसी और मोमेंट पे जाए, आई कैन ओनली चेक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, सो दिस इज एक्सपायरी, एट एक्सपायरी यू हैव टू चेक, राइट? अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सपायरी के पहले भी चेक करना है? अगर मान लो एक्सपायरी के पहले अगर चेक कर दे तो प्रॉब्लम क्या है? कोई फायदा तो है नहीं उसका, कि वो 70 गया तो भी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये आपकी एक्सरसाइज डेट है। ठीक है, तो आप इसी डेट पे एक्सरसाइज कर सकते हो, तो इसी डेट पे अगर एक्सरसाइज कर सकते हो तो इसी डेट पे देखोगे, उसके पहले देख के क्या फायदा है?
सो सीधा जाऊं, अगर मैंने 6 महीने बाद वाला अगर ऑप्शन खरीदा हुआ है, एक्सरसाइज डेट अगर उसकी 6 महीने बाद की है, आज मैंने ऑप्शन खरीद लिया, 6 महीने बाद सीधा पहुंचूंगा मैं, 6 महीने के बाद में उस डेट पे चेक करूंगा कि क्या प्राइस है, एक्सरसाइज करना है नहीं करना। अब ये बोलते वक्त हम लोग इस तरीके से बोलते हैं समझाने के पर्पज से, जब आप ट्रेड कर रहे हो ना रियल लाइफ में तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, सब ऑटोमेटिकली होता है। इफ यू वॉन्ट लाइक जिस भी साइड में जाना है थिंग्स विल बी वेरी ऑटोमेटिक। सो अगर इफ यू आर गेनिंग ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक्सरसाइजेबल है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। नाउ लाइक अ वेरी बेसिक डिस्कशन, ठीक है, कि अगर इसी डेट पे चेक करना है, इसी डेट पे, ये एक्सपायरी डेट है तो इस डेट पे चेक करेंगे, फाइन। इज इट पॉसिबल टू चेक इन बिटवीन, लाइक एक्सरसाइज योर ऑप्शन इन दिस पीरियड, इज इट पॉसिबल? सो यस पॉसिबल, जिसमें ये पॉसिबल होता है दैट यू कैन एक्सरसाइज योर राइट, यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन बिफोर मैच्योरिटी, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड एज अमेरिकन ऑप्शन। और जिस ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम टी ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज यूरोपियन ऑप्शन। ओके, सो इफ यू कैन एक्सरसाइज ओनली एट द मैच्योरिटी देन यूरोपियन, इफ यू कैन एक्सरसाइज बिफोर मैच्योरिटी देन इट इज अमेरिकन। ठीक है, मतलब यहां पे किसी को कंफ्यूजन है? एक क्वेश्चन पूछना है मुझे इसके बाद में, ये क्वेश्चन मैं हर बैच में, हर क्लास में, जहां पर भी चल रहा है, किसी भी इसका चल रहा हूं कोर्स का, आई आस्क दिस क्वेश्चन इफ देयर आर इंडियन स्टूडेंट्स। सिंपल, इंडिया में जो नॉर्मली ऑप्शन ट्रेड होते हैं वो कौन से ऑप्शन है? अमेरिकन ऑप्शन है और यूरोपियन? यूरोपियन मैरी अदर आंसर्स, एनी टेकर्स फॉर अमेरिकन? धीरज सिंह यूरोपियन ऑप्शन, राहुल इज सेइंग अमेरिकन, एनी मोर लाइक कोई है जो अमेरिकन वाला है? In anyone in favor of American option? अच्छा, एक्सरसाइज डेट जो है ना वो दोनों में होगी, अमेरिकन ऑप्शन यूरोपियन ऑप्शन दोनों में एक्सरसाइज डेट होगी, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, मैक्सिमम उस डेट पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो बोथ विल हैव से 3 months एक्सपायरेशन डेट और एक्सरसाइज डेट, बट ऑप्शन इज कि अमेरिकन ऑप्शन में यू कैन एक्सरसाइज योर ऑप्शन इवन बिफोर दैट डेट। ठीक है, ये एडवांटेज है अमेरिकन ऑप्शन का। हमारा डिस्कशन प्राइमरीली यूरोपियन के अराउंड रिवॉल्व करता है, अमेरिकन हम लोग स्पेशल केसेस में देखते हैं, मतलब स्पेशली ऐसे अमेरिकन ऑप्शन करके डिस्कस होगा वो। ठीक है, नाउ सी हियर, ये जो कंफ्यूजन है ना अमेरिकन ऑप्शन यूरोपियन ऑप्शन वाला, ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है जो फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं। सो यहाँ पे इन इंडिया वी हैव यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है, नॉट अमेरिकन ऑप्शन। हम लोग इस डेट के पहले इंडिया में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, एक्सरसाइज नहीं होता, जो राइटर ऑफ द ऑप्शन है, ठीक है,
या बायर ऑफ द ऑप्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होता है, इट जस्ट लाइक जो राइटर है वो सेल करते रहेगा अपना राइट आगे, राइटर जो है अपना ऑब्लिगेशन है वो सेल करते रहेगा, ठीक है, एंड बायर जो है वो अपना फॉरवर्ड करते रहेगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज अ ट्रेडिंग ऑफ द पोजीशंस, ठीक है. नाउ ऑन द अदर हैंड अमेरिकन ऑप्शन में ये सीधा एक्सरसाइज ही हो जाएगा, ठीक है. सो इन इंडिया वी जस्ट सेल आवर पोजीशंस, नॉट एक्चुअली बाय और सेल, और वी डोंट एक्चुअली एक्सरसाइज द राइट्स. सो दिस इज यू आर सपोज टू लाइक जस्ट नो इट. एग्जाम में इंडिया वर्सेस लाइक जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन नहीं आते. ठीक है. सो दिस इज अबाउट लाइक अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपायरेशन ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, राइट टू बाय, राइट टू सेल, अपवर्ड मूवमेंट एंड टाइप ऑफ बेटिंग, याद कैसे रखना है उसको, ठीक है. देन वी सॉ लाइक पे ऑफ्स. सो इसका एक बार पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है. पे ऑफ डायग्राम, पे ऑफ एंड प्रॉफिट डायग्राम. कोई डाउट्स ऑप्शंस वाले सेक्शन में? किसी को कोई डाउट्स? नो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सिंपल, स्ट्राइक प्राइस 100 है, ठीक है. अंडरलाइन का करंट प्राइस से ऑप्शंस में कभी भी कोई मतलब नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन. जब भी आप वैल्यूएशन कर रहे हो तब मतलब रहेगा उसका, तब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. बट अदर देन दिस लाइक वी डोंट, वी आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट लाइक व्हाट इज द स्पॉट प्राइस. वी आर ओनली कंसर्न ओनली कंसर्न इज द व्हाट इज द प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है. सो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एक ऑप्शन, यहां पे मैं दोनों डिस्कस करने वाला हूं, कॉल एंड पुट. सो पहले कॉल ले लेते हैं, ठीक है. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. उसी एक्सपायरेशन डेट पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, क्या क्या हो सकता है. सो प्राइस 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, एंड सो ऑन. ओके, सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. रिमेंबर, एक कोई प्राइस होगी, राइट. ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भी रैंडमली लाइक इतनी सारी प्राइस हो एक ही दिन में. सो इट इज आउटकम का लिस्ट. अब इसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है. सो ये कॉल ऑप्शन है, मतलब अपसाइड बेटिंग. अपसाइड बेटिंग है तो जब ऊपर जाएगा प्राइस स्ट्राइक प्राइस के, तभी गेन होगा. सो स्ट्राइक प्राइस क्या है, 50, है ना. सो कॉल ऑप्शन का पे ऑफ ऊपर गया या नहीं, सिंपल चेक करते जाना है. अंडरलाइन का प्राइस ये है 70, स्ट्राइक प्राइस है 100. ऑप्शन क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉल वाला सेक्शन है. एंड पूरा का पूरा डिस्कशन जो हो रहा है कैलकुलेशन लॉन्ग के लिए हो रहा है. सो क्या प्राइस ऊपर गया 70 पे? नहीं. 80 पे? नहीं. 90 पे? नहीं. 100 पे? नहीं. ठीक. 110 पे?
ऊपर गया, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, सिंपल। ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा, जब अंडरलाइन की प्राइस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगी। सो 110, सो 110 माइनस 100 डिफरेंस निकाल लो 10, उतना पे ऑफ होगा। 120 के केस में अगेन होगा, पे ऑफ कितना होगा, एज वी डिस्कस्ड S0 माइनस X इज द पे ऑफ। सो 20 का गेन, अगेन 130, सो 30 इज पे ऑफ। 140 के केस में अगेन ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, 40 इज द पे ऑफ। सो दिस इज द पे ऑफ, दिस ऑफ पे ऑफ वर्क्स। बट रिमेंबर, ऑप्शन खरीदने के लिए लॉन्ग को पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट क्या होता है, प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम अज्यूम किया हुआ है $5, सो $5,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 5
5 माइनस 5 देन जंप करना चालू करेगा 5 15 25 एंड 35 लाइक दिस. यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई भी बहुत ऐसे इसमें प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है. यहाँ पे कॉन्क्लूजन है एक, ठीक है. लॉन्ग के लिए लॉस इज लिमिटेड. कैन यू सी दिस? बहुत बुरे से बुरे हालत में भी लॉस माइनस फाइव के नीचे नहीं गया. व्हाट इज द लॉस हियर? प्रीमियम पेड. ठीक है. एंड गेन इज वर्चुअली अनलिमिटेड, ऐसे बोलते हैं. ठीक है. लाइक प्रैक्टिकली लिमिटेड होगा लेकिन वर्चुअली अनलिमिटेड. दिस इज द वे वी से इट. एंड पे ऑफ, लोएस्ट पे ऑफ फॉर लॉन्ग इज जीरो. मतलब लॉन्ग के लिए, लॉन्ग ऑप्शन होल्डर के लिए कोई भी पे ऑफ नहीं होगा लाइक इन निगेटिव फॉर्म. ओके, उसे पे कुछ भी नहीं करना है. ही कैन ओनली गेन. सो 10, 20, 30, 40 लाइक दिस. सो लेट्स सी, ये डायग्राम देखो यहां पे. सो ये विजिबल है कि नहीं दिख रहा है जो चार्ट है? आई कैन ड्रॉ ऑन दिस. सो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर विजिबल नहीं भी है तो. ठीक है, सबसे पहले पे ऑफ डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो पे ऑफ कैसे जाएगा? सी दिस, ये है पे ऑफ, पे ऑफ ऑफ लॉन्ग कॉल. ठीक है, देन पे ऑफ का बॉटम इज जीरो. जीरो से नीचे पे ऑफ नहीं जा सकता इसके लिए. सो ही विल ओनली गेन. लॉन्ग कॉल जो है उसे हमेशा अर्निंग ही होगी. ही विल ओनली रिसीव. एंड कब रिसीव करेगा? जब स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अंडरलाइन का प्राइस जाएगा. सो दिस इज योर 100. सो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अंडरलाइन प्राइस गया एंड देन द पे ऑफ विल स्टार्ट. द पॉजिटिव पे ऑफ विल स्टार्ट, नो नेगेटिव पे ऑफ. एंड प्रॉफिट सेम सिनेरियो, एक्सेप्ट क्योंकि प्रीमियम पे किया हुआ है तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में लॉस जनरेट होगा. ठीक है, देन यहां से लॉस की रिकवरी चालू होगी. लॉस की रिकवरी चालू होगी जैसे स्ट्राइक प्राइस क्रॉस हो जाता है अंडरलाइन प्राइस, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर गया, वैसे रिकवरी चालू. और ये धीरे 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 धीरे, सॉरी आई मिस्ड दैट, कुड यू, और ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा. वेरी सिंपल. ठीक है, नाउ फॉर द पुट. और ये कंडीशन फुलफिल करता है चार्ट. कौन सी कंडीशन? कि दिस पर्टिकुलर कॉल इज अपसाइड बेटिंग, मतलब अगर ऊपर जाएगा तो गेन होगा. राइट, so this is correct, no problem. Then put option, put का pay off simple. अगर नीचे जाएगा underlying price, strike price के नीचे जाएगा तो put will gain. so कैसे? so 100 पे no gain, बाकी उसके ऊपर तो no gain ही है. so 100 के नीचे गया 90, pay off will be $10. right, this is downside betting, put is downside betting. अगर ये 80 हुआ तो 20 और 70 हुआ तो 30. सिंपल. प्रीमियम क्या पे किया हुआ है? 6 सब जगह पे. सो डिफरेंस लाइक यू विल हैव लॉस ऑफ $6 मैक्सिमम फॉर पुट लॉन्ग, लॉन्ग पुट, रिमेंबर दिस. एंड गेन कैन बी अनलिमिटेड. सो लिमिटेड लॉस सेम. एंड एग्जाम के लिए याद रखना लिमिटेड गेन.
ठीक है. सो ये एक डिफरेंस है. लॉन्ग कॉल हैज अ वर्चुअली अनलिमिटेड गेन. शॉर्ट सॉरी लॉन्ग पुट हैज लिमिटेड गेन. व्हाई दिस डिफरेंस? आई होप आई सेड करेक्टली. लॉन्ग कॉल वर्चुअली अनलिमिटेड गेन, लॉन्ग पुट लिमिटेड गेन. व्हाई दिस? ऐसा क्यों होता है कि एक के लिए अनलिमिटेड गेन है और एक के लिए लिमिटेड गेन है? लोएस्ट प्राइस जीरो, करेक्ट आंसर. सो लोएस्ट प्राइस इज जीरो, दैट्स व्हाई. सो उसका मतलब क्या हुआ कि जो पुट है, पुट इज डाउनसाइड बेटिंग. पुट प्राइस मे गो या सो मैक्सिमम जीरो जा सकते हैं, राइट. सो पुट प्राइस का नीचे गिर गिर के भी, पुट प्राइस नहीं एक्चुअली अंडरलाइन का प्राइस नीचे गिर गिर के भी जीरो तक के जाएगा. अगर जीरो भी जाएगा ठीक है, तो भी पुट का जो गेन है उसके लिए तो लिमिट है ना हमेशा ही, ठीक है. सो दैट्स व्हाई लिमिटेड गेन फॉर द पुट एंड लिमिटेड लॉस. लिमिटेड लॉस इज इन दिस इज योर लॉस. एंड पे ऑफ के केस में अगर बात करें तो जीरो पे ऑफ और पॉजिटिव पे ऑफ, ठीक है. सो दिस फॉर पुट का डायग्राम लाइक दिस, ठीक है. सो दिस इज पे ऑफ पुट, दिस इज प्रॉफिट पुट. सिंपल, ये सभी एक ही कलर के हो गए तो सब मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है. वेरी सिंपल डायग्राम, लाइक कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. ये डायग्राम एग्जाम में टेस्टेबल है, याद रखना है. पे ऑफ डायग्राम्स सो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर इन्हीं की डायग्राम्स को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए अगर डिस्कस करते हैं, मान लो ये स्ट्राइक प्राइस है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द पे ऑफ. पे ऑफ इस तरीके से होगा, स्ट्राइक प्राइस ऊपर बढ़ते जाएगा, दिस फॉर द कॉल का पे ऑफ, ठीक है. देन दिस इज प्रॉफिट्स, सो इट स्टार्ट विद द लॉस रिकवरी एंड देन प्रॉफिट. सो कॉल का प्रॉफिट एंड बोथ द पोजिशंस आर लॉन्ग पोजिशंस. अब सेम शॉर्ट के लिए निकालना है. और शॉर्ट के लिए कैसे होगा? यहां से चालू होगा एंड जो गेन लॉन्ग के लिए जा रहा है वही शॉर्ट के लिए लॉस बनते जाएगा, लाइक दिस. एंड लाइक दिस, ओके. सो दिस इज फॉर शॉर्ट होल्डर का, सॉरी या कॉल पे ऑफ. दिस इज अगेन प्रॉफिट कॉल एंड प्रॉफिट और लॉस ऐसे बोलते हैं, नहीं तो गलत इंप्रेशन जाएगा. एंड पे ऑफ, जस्ट लेट मी चेक, पे ऑफ फॉर कॉल बट फॉर शॉर्ट पोजिशन, ठीक है. सो ये क्लियर हो गया. यहां से क्लियरली हम देख सकते हैं शॉर्ट पोजिशन होल्डर के लिए गेन का पॉसिबिलिटी इज लिमिटेड एंड लेस, ठीक है. स्मॉल गेन्स, इनफाइनाइट लॉसेस. बोलते वक्त यू कैन से लाइक दिस, स्मॉल गेन्स, इनफाइनाइट लॉसेस फॉर शॉर्ट. एंड लॉन्ग के लिए large gains but small losses, ठीक है. सो अगर ऐसा सिनारियो है, सो what position would you like to take? आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा, कौन सी पोजिशन लेना पसंद करोगे आप? Which position is better? Long, okay.
और कोई शॉर्ट वाला? लेकिन एक अल्टरनेट क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि अगर ऐसा सिनारियो है, ठीक है, कि एक के लिए गेन्स काफी स्मॉल है, मतलब चिल्लर जमा करना है, ठीक है, और लॉस बहुत सारा हो सकता है, एंड देन लॉन्ग के लिए गेन्स बहुत बड़े बड़े हैं और लॉस हुआ तो छोटा सा ही होगा, तो कोई शॉर्ट करेगा ही क्यों? क्योंकि रिमेम्बर, लॉन्ग करने के लिए कोई एक शॉर्ट करने वाला भी चाहिए, तो कोई शॉर्ट ही क्यों करेगा? बोलेगा मैं शॉर्ट ही नहीं करता, खत्म। ऐसा क्यों? शॉर्ट भी इंटरेस्टेड है और लॉन्ग भी इंटरेस्टेड है, इसका रीजन क्या हो सकता? शॉर्ट इफ आई हैव अंडरलाइंग एट लेस प्राइस। नहीं, स्पेकुलेशन की बात करते, नहीं है मेरे पास अंडरलाइन, फिर भी मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, सो इट इज पॉसिबल, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग, लाइक डोंट थिंक अबाउट लाइक ओनिंग एन अंडरलाइंग और नॉट, सो जस्ट गो इन स्पेकुलेशन वाला मोड। सो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, तो कोई शॉर्ट करेगा ही क्यों? आंसर इज लाइक, सोच के देखो क्या हो सकता है। ही विल गेट द प्रीमियम, या करेक्ट। सिंस द गेन इज अनसर्टन फॉर बायर वॉन्ट्स द प्रीमियम ऑन, या ठीक है, लेकिन प्रीमियम भी तो छोटा सा अमाउंट है ना, पोजिशन के बारे में सोचो। शॉर्ट के लिए थोड़ा सा प्रीमियम मिलेगा गेन में, और लॉस इनफाइनाइट है, ठीक है, मतलब डूब गए तो अच्छे से डूबेंगे, और जो लॉन्ग है उसके लिए लॉस जो, सॉरी, ये जो है लार्ज गेन्स है, लाइक गेन्स की पॉसिबिलिटीज ह्यूज, लॉसेस छोटे छोटे हैं, तो हर कोई लॉन्ग ही लेगा ना, कि अगर छोटा सा ही लॉस हो रहा है और गेन इनफाइनाइट हो सकता है, तो वील ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर दी लॉन्ग पोजिशन एंड वॉन्ट्स द प्रीमियम ऑन, सिंस द गेन इज अनसर्टन फॉर बायर। नो, गेन इज अनसर्टन फॉर बायर, ठीक है, अनसर्टन है, बट लॉस अनसर्टन इज फॉर सेलर। मेरी सो यू कैन अप्लाई प्रोबेबिलिटी थ्योरी हियर। सो इसका आंसर ऐसा है, इफ यू टेक 100 इंस्टेंसेस, ठीक है, सो मैक्सिमम केसेस में थिंग्स विल गो इन शॉर्ट्स फेवर बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो होगा क्या ना, सिंपल, कि एक्सरसाइज होना जरूरी है तभी पे ऑफ चालू होगा, राइट? एक्सरसाइज ही नहीं हुआ तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। ऑप्शन लैप्स का जो केस होता है ना, मैक्सिमम टाइम ऑप्शन लैप्स होता है, अगर इफ यू टेक लाइक ऑल दी ट्रेड्स हैपन टिल डेट, यू विल सी ऑप्शन विल लैप्स और विल गो अनफेवरेबल फॉर दिस लॉन्ग होल्डर। आई कैन इवन से लाइक से 100 में से 80 टाइम्स तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। अगर ऑप्शन लैप्स हुआ का मतलब क्या हुआ? कि एक्सरसाइज नहीं हो पाया, तो एक्सरसाइज नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये शॉर्ट ने जो प्रीमियम कलेक्ट कर लिया था, अब शॉर्ट के लिए कोई पे ऑफ नहीं है, ही जस्ट कलेक्टेड द प्रीमियम, सो ऑन दिस रीजन सी हियर ही कलेक्टेड द प्रीमियम एंड ऑप्शन इज अनएक्सरसाइज्ड, सो मैक्स 80 टाइम्स तो ऐसे ही होगा कि लैप्स हो जाएगा, सो शॉर्ट को हमेशा गेन होगा। गेन छोटा छोटा होगा बट बहुत बार होगा, सो नंबर ऑफ टाइम्स द गेन विल हैपन इज हायर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये जो लॉन्ग है इसके लिए लॉसेस जो है बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे, ठीक है, मैक्सिमम टाइम लॉसेस जनरेट होंगे, सो
here for short goal is premium collect karte jao, collect karte jao, collect karte jao, n number of times bahut sare premiums collect karo. Short ki halat kaise kharab hoti hai ki ek aad bar aisa market movement opposite side mein jayega. Okay, like if you are call if you are shorting call, then upar jana is opposite side for short, and if you are shorting put, then niche jana is opposite side, right? So, ऐसा नेगेटिव साइड में जाएगा कि पूरा जितना कमाया ना अभी तक के सब एक साथ में खाली हो जाएगा सब. ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई शॉर्ट इज इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, लाइक ही वांट्स टू टेक पार्ट इनटू द ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड. सो दिस इज द गेन. अगर मैं चालू करता से लाइक आई लाइक ऑप्शन शॉर्टिंग फॉर सम रीजंस एंड आई एम अफ्रेड ऑफ ऑप्शन शॉर्टिंग, क्योंकि उसका जो लॉस वाला डायरेक्शन है वो बहुत ही भयंकर हो सकता है, क्योंकि वी डोंट नो लाइक मार्केट में क्या हो. तो जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया था अभी कोविड में, ठीक है, पुट शॉर्ट किया अगर होगा तो हो गया, मतलब सब घर गाड़ी सब बिक जाएगा, इतना लॉस में चले जाता है वो. ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क हियर. सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक नंबर ऑफ टाइम्स जो है गेन जनरेट होगा. इफ यू वॉन्ट टू शॉर्ट देन ऑलवेज रिमेंबर यू विल विन मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर शॉर्ट, बट एक बार लॉस होगा वो बहुत बड़ा होगा, इट कैन बी ह्यूज लॉस. सो दिस हाउ थिंग्स वर्क. सो ये जो था एक प्राइमरी डिस्कशन था ऑप्शंस के ऊपर, डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शन, पे ऑफ डायग्राम भी हो गया. लेट्स चेक योर इसमें क्या फर्दर डिस्कशन है. सो एज वी डिस्कस्ड, यहाँ पे कोई ऑप्शन में किसी को डाउट? सो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स आर द नॉन स्टैंडर्डाइज्ड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग, मैं जस्ट रीड आउट करना चालू कर देता हूँ, बाइंग और सेलिंग ऑफ द अंडरलाइंग ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी. फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट एज वी डिस्कस्ड. ऑप्शंस इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स राइट टू बाय और राइट टू सेल फॉर लॉन्ग एंड ऑब्लिगेशन फॉर शॉर्ट पोजिशन होल्डर. एंड देन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन आर द टू ऑप्शंस, यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑप्शन. सो हमने सब कवर कर लिया इसमें. ठीक है, सो कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय फॉर लॉन्ग पोजिशन होल्डर. आई एम अज्यूमिंग कि डाउट किसी को भी नहीं है. देन ऑब्लिगेशन फॉर शॉर्ट, लॉन्ग पेज द प्रीमियम ऑफ कोर्स, एंड पे ऑफ इज CT max 0S minus X. अगर आपको फॉर्मूला में याद रखना है या सिंपली मेरे तरीके से याद रख लो कि गेन तब होगा जब कॉल के लिए गेन तब होगा जब अंडरलाइंग ऊपर जाएगा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, ऑफकोर्स तो ऊपर जाएगा. सो सिंपली डिफरेंस निकाल लो एंड यू नो इट कि गेन हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, सो फॉर्मूला रिमेंबर याद रखना कोई कंपलसरी नहीं है. ऑन द अदर हैंड फॉर पुट ऑप्शन, राइट टू सेल फॉर लॉन्ग पोजिशन होल्डर, ऑब्लिगेशन फॉर शॉर्ट, and who pays the premium in case of put. Question, who pays the premium in case of put option? ये मैंने ना मॉक में डाला था ये क्वेश्चन. ठीक है, लगभग 60% ने करेक्ट किया था, 40% ने गलत किया था. या करेक्ट, लॉन्ग पेज दी premium. Okay, so this is about the long call option, like all the derivatives. So derivative traders, इसमें तीन type के trader discuss करने हैं. ठीक है, first one is the hedgers. Hedgers के पास में अपनी existing position है. ये generally manufacturers या जो already asset hold करते हैं ऐसे लोग हैं. And they are afraid of price movements. ठीक है, कि कहीं price adverse direction में ना चली जाए और हमें नुकसान ना हो जाए. So for this reason, hedgers use the derivatives, forward, futures or options, any derivative, to reduce the risk. Hedgers का goal क्या है कि risk reduce करें from the adverse price movement. अगर adverse price movement होता है उससे जो risk generate होगा, जो loss उससे generate होगा, वो risk reduce करना है. So forward and futures are used for price fixation. मतलब यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई hedger है, उसने अगर hedging कर ली using forward and futures. So see, अगर मान लो कि उसने ये कर लिया कि he wants to short futures at $100, तो अब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए उसको जो नेट वैल्यू है सेल करने के बाद में वो $100 ही मिलेगी. ठीक है, मार्केट भले ही 130 चले जाए, 140 चले जाए या 70, 60 और कुछ चले जाए,
but he will only gain $100, right? So this is for the forward and future. Forward and future is used for the price fixation. On the other hand, options are used like the insurance at the cost of premium. Okay. So a simple question. ये जो शॉर्ट था ना, ठीक है, ये जो हेजर है, जो शॉर्ट फ्यूचर्स था, इफ ही वांट्स टू यूज द ऑप्शन, विच ऑप्शन ही विल बाय और सेल. सो लॉन्ग, शॉर्ट, पुट, कॉल, सबका कॉम्बिनेशन मिला के एक आंसर बताना है, मतलब एक ही आंसर बताना है. सो क्या करेगा ये हेजर जिसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था, ओके, ऊपर भी आंसर्स आए. एक सेकंड, मैं आंसर्स चेक कर लेता हूँ. राहुल इज सेइंग लॉन्ग पुट, आरती इज सेइंग लॉन्ग कॉल, अगेन नाउ राहुल इज सेइंग और शॉर्ट कॉल. अदर आंसर्स, ये एग्जाम में ना ये फंडामेंटल है, मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. So you must know this, remember this, इसको सॉल्व करके आना चाहिए, मतलब नॉट इन एग्जैक्टली दिस फॉर्मेट. गार्प आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि दो या तीन रूट्स है, हेज यूजिंग दी ऑप्शंस, हेज यूजिंग दी फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स, डिटेल्स प्रोवाइड करेगा. यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी पोजिशन लेना है. अगर आपने पोजिशन लेने में गलती कर दी तो हो गया, आंसर भी गलत निकलेगा. सो यू हैव टू टेल दी पोजिशन. और कोई, मैरी, निहारिका, आरती का आंसर आ गए लॉन्ग कॉल, राहुल का आंसर आ गया, सुधीर योर आंसर. He has a short position in future. So for hedge, he will take opposite position. No. What I am saying is, this particular hedger first decided to use the short futures for his hedging. Okay. So he wanted to use short futures, but then he changed his plan and went for options. This is what I'm saying. He has some existing position. Hedger has some existing position and he wants to like change the derivative. First he planned to go with the futures, that is a short future. Now what should be his plan if he wants to go for the option? Like aisa samajh ke chalo ki pehle ye plan tha ki short futures leke hedging karni hai. पर किसी ने बोला कि नहीं, शॉर्ट फ्यूचर्स नहीं करते, प्राइस लॉक हो जाता है, वी विल गो फॉर द ऑप्शंस. अब कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, और वो शॉर्ट फ्यूचर भी हेजिंग के लिए ही यूज कर रहा था. बोथ और फॉर हेजिंग, दिस वाज फॉर हेजिंग एंड दिस आल्सो फॉर हेजिंग. सिंपल, इसको सोचने का तरीका. एनीवन लाइक आंसर कर सकता है कोई? बहुत ही सिंपल है ये ट्रिक, हमेशा याद रखना, ठीक है.
I'm just waiting like for a few seconds, then I will answer. So first of all, see here, how to think. So he is short futures, matlab wo future mein bechna chahta hai, meaning he holds asset, means long on asset. Current position is long on asset, fine, no problem. If he is long on asset, then what should be his position in options to hedge this position? अब इसको डर किस चीज से? If someone is long on asset, मतलब asset already है मेरे पास में, ठीक है? मैंने short futures क्यों किया था कि price अगर नीचे गिर जाए, I should be protected, right? Long gains on the price increase, short gains on the price decrease, simple. So long asset अगर है, already I have the asset, then options में I have only one option, long put. ठीक है, so someone said short, right? So someone's answer was, I don't remember, like it was short on call or like this. But remember, for hedging purpose, short cannot be used because short has the limitation. Short का limitation क्या है? Limited gains. So एक direction locked है. Loss unlimited हो सकता है, लेकिन gain unlimited है. So hedging के लिए short position underlying अगर है, उसकी hedging के लिए short position नहीं use कर सकते. It is only a long call or put, depending on the scenario. At this point, we already own the asset. We have the asset. So we'll go for the long put. So we want a downside betting, right? ठीक है. Then who are speculators? कोई अगर doubt है इसमें तो पूछ सकता है. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Who are the speculators? Speculators are betting on price movements. So अब उनके पास में asset नहीं है. So they just want to exploit the price movements. If someone wants, someone is expecting a price bad jayega, so two options, long call or long futures and so on. Okay, if someone is expecting price girega to, then it can be long put or शॉर्ट फ्यूचर्स. ठीक, इसमें एक और ऑप्शन है. ठीक है, सो इफ समवन इज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस ऊपर जाएगा, देन ही कैन ऑल्सो शॉर्ट पुट. अपोजिट साइड ले लू मैं, और शॉर्ट कॉल इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्राइस डिक्रीज लाइक दिस. सो दिस इज कॉम्बिनेशन. ओके, so this is how things work in the like speculation. Then arbitrages. Arbitrage specifically हम लोग इसमें discuss करेंगे forward forex के chapter में. यहाँ पे this is like, एक याद रखो कि asset में mispricing है, तो you have to take the position in certain manner कि वो mispricing exploit कर सके. This is the goal of arbitrages. That's it. Okay, so this is the arbitrage. Then hedging strategy payoff का calculation है. एक एक बार quickly देख लेते हैं. Not like अभी ये अगर clear नहीं भी होता है तो भी वो आगे में clear हो जाएगा. So hedging strategies का payoff. ठीक है, illustration forward contract. So यहाँ पे gold is currently trading at $1,900 per ounce. Mr. X entered into a long forward position maturing in 1 year, and this position is entered into $1,950. At maturity, price of the gold is $1,800. ST is $1,800. Forward price is $1,900. ठीक है. And find out the payoff for Mr. X in both hedged and unhedged position. So what will be the payoffs? Quickly answer. Hedged
डॉलर फिफ्टी प्रॉफिट, हाउ? Answers, please. Who you are? Fifty is wrong answer. $150 value ठीक है. Unhedged 1900 minus 1800 gain or loss Sudhir? Like beneficial or not like that. Rahul is saying loss of $100. Okay. So simple hai calculation. So it is 950 and 1800. So 950 long futures. In future main 950 mein buy karunga. Aur ye kitna hai? Actual mein 1800. So, मैंने प्रॉमिस किया था कि 950 में बाय करूंगा. कौन सी असेट जो ऑलरेडी 1800 में उस टाइम पे मिल रही है, तो सस्ते में खरीद लेता ना, लेकिन अब मैं कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गया हूँ. सो व्हाट विल बी माय लॉस? लॉस ऑफ लाइक 1800 माइनस 1950. 1800 माइनस 1950, सिंपल राइट? सो इसका आंसर निकाल लो. एंड सेकेंड इज लाइक हेज्ड पे ऑफ जो है ना, इसका हेज्ड का पे ऑफ निकालना इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. सो क्योंकि आपको पता ही नहीं, ये तो आप इन फ्यूचर खरीदने वाले हो ना. सो इन फ्यूचर अगर खरीदते तो ये आपको यहाँ पे तो लॉस हो गया डेफिनेटली 1500 का. अगर इन फ्यूचर में ही खरीदते तो यू कुड हैव बॉट इट एट डायरेक्टली 1800, तो यहाँ पे गेन हो जाता, मान लो बच गए नहीं एंटर करके ऑफ 150. बट ये कहना गलत है, ठीक है? सो हेज्ड पोजीशन का लॉस इज करेक्ट, लॉस ऑफ 150 इज करेक्ट. एंड अगर अनहेज्ड रहता तो डायरेक्टली 1800 में बाय रहता, यहां पे जो बाय है वो 1950 का, लाइक दिस. सो दिस इज वेरी बेसिक, सिंपल, अंडरस्टैंड करने के लिए काफी इजी है, राइट? नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू सेम केस सेम सिनेरियो. यहां पे पुट ऑप्शन लिया हुआ है, पुट ऑप्शन ट्रेडिंग, करंटली इट इज एट $20 इन 1 year. सो फाइंड आउट पे ऑफ एंड प्रॉफिट फॉर मिस्टर एक्स बोथ हेज्ड एंड अनहेज्ड पोजीशन. सो एक का भी बता दे तो चलेगा, इसको मैं मिटा रहा हूं. ऑप्शन के लिए दिस इज पुट ऑप्शन. अबे स्ट्राइक प्राइस नहीं लिखा हुआ है. स्ट्राइक प्राइस इज 1950. ओके, हेज्ड प्रॉफिट ऑफ 80 इनपुट ऑप्शन.
सो पहले तो सिंपल एक्चुअल प्राइस जो है मैच्योरिटी एट मैच्योरिटी प्राइस इज 1800, ठीक है, एंड यू आर लॉन्ग ऑन पुट ऑप्शन. सो सिंपल, सो ये दोनों का डिफरेंस इट इज 150, राइट. सबसे पहले तो ओके, पुट एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा, पे ऑफ 100 कैसे, हाउ, दिस इज अंडरलाइन, दिस इज स्ट्राइक प्राइस, इट विल बी एक्सरसाइज, करेक्ट, हेज्ड 130 प्रॉफिट, करेक्ट, एंड पे ऑफ इज 150, करेक्ट. ओके, पे ऑफ ऑफ 150, एंड अगर नहीं करते तो फिर वही सिनारियो लाइक 1800. सो यहां पे क्वेश्चन वाइज सिनारियो में क्या गलती हुई है, यहां पे जो दो सिनारियो दिए हुए हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, चलो छोड़ो, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग दिस, इसमें अगर किसी को मिस्टेक मिले तो जस्ट पिंग, ये क्वेश्चन में कंपैरेटिव मिस्टेक है, ठीक है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है. In option X is going for put option. Yes. What should be the right thing to do here? Again, इसने यहाँ पे long forward position लिया हुआ है Mr. X ने. And we are taking the same scenario here. Yes, it should be call option instead of put. Sorry, again. It should be call option. ठीक है, यहाँ पे call option होता तो दोनों कंपैरेटिवली सही है, मतलब इन लाइन है, ठीक है. तो दिस वाज लाइक, इससे कोई ऐसे टोटल अंडरस्टैंडिंग में फर्क नहीं पड़ता. व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन आई यूज्ड कॉल पुट इंस्टेड ऑफ कॉल, सो दैट वाज द थिंग, एंड हमने सॉल्व भी पुट लेके कर लिया उसको. सो ठीक है, देन वी हैव द स्पेक्युलेटिव स्ट्रेटजी. स्पेक्युलेटिव स्ट्रेटजी में स्ट्रेट अवे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग लाइक हेज्ड और अनहेज्ड पोजिशन, ठीक है. यू कैन सिंपली, सेम क्वेश्चन ही है. So, hedged and unhedged में क्या होगा कि सिंपल यू हैव ओनली पोजिशन, दिस पोजिशन लाइक दिस, लाइक आपने फिक्स कर लिया है फॉरवर्ड का प्राइस है, एंड देन यू हैव लाइक एक्चुअल प्राइस, वॉट एवर इज द डिफरेंस इज डायरेक्टली गेन और लॉस, ठीक है, दोनों केस में. इसका इलिस्ट्रेशन ना गार्फ ने करेंसी वाला दिया हुआ है, ठीक है, और करेंसी एज इन लाइक फॉरेक्स का इलिस्ट्रेशन है पहले चैप्टर में, एंड वी वांट लाइक इलिस्ट्रेशन शुड बी वो वाला ना आपके काम का. अभी तो फॉरेक्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है, इसलिए आई ट्राइड लाइक फटाफट से कोई दूसरा इलिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दूं, ठीक है. इस इलिस्ट्रेशन में लाइक और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, एंड हेजिंग अगेन फिर से रिपीट होने ही वाला है हमारे थर्ड फोर्थ चैप्टर में, तब प्रॉपरली देख सकते हैं. अभी फिलहाल के लिए आई नो लाइक यू अंडरस्टैंड हेजिंग में you will lock your prices, ठीक, and speculation में you just want to exploit the opportunity, हमें कोई मतलब नहीं है, we don't have any asset, so ये. Then arbitrage it will be again covered in the forex, arbitrage forex के साथ में better cover होता है और commodities के साथ में भी cover होता है वो, ठीक है. And then risk of using the derivatives, like last discussion, derivatives are highly risky instruments, okay, and एक नया पॉइंट गार्फ ने ऐसे दिया हुआ है, कोई टेस्टेबल, ये वाला पॉइंट टेस्टेबल नहीं है. सो ट्रेडर माइट एंड अप स्पेक्युलेटिंग इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग द हेजिंग रिक्वायरमेंट्स, माइट बी ड्यू टू ग्रीड और माइट बी ड्यू टू सम अनदर रीजंस, लाइक नहीं समझ में आया क्योंकि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट काफी कॉम्प्लेक्स होता है. सो
लेना कुछ और था, मतलब कुछ और चीज करना था, कुछ और चीज कर दिया, लाइक दिस. ठीक है, सो ये चीज पॉसिबल है इसमें. ठीक, सो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर. सो नेक्स्ट चैप्टर कितने टाइम में चालू करें? लाइक इन 30 मिनट्स, 3:45 पे, राइट? सो एनी डाउट्स पूरे फर्स्ट चैप्टर में? सर लेट मी नो मीटिंग आई डी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. सुधीर आप ग्रुप में नहीं हो क्या, जो लाइव स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है? अच्छा, फोन काम नहीं कर रहा है. ओके, डू वन थिंग, किसी भी नंबर से जस्ट गिव मी कॉल ऑन माय नंबर 9096131868. ओके, जस्ट ये नंबर नोट कर लो. अभी मीटिंग आईडी बनने का है, मैं अभी बनाऊंगा उसको. सो आई डोंट नो द मीटिंग आईडी. ओके, ये नंबर पे मुझे एक बार कॉल कर लेना, या जस्ट व्हाट्सएप नहीं, मैसेज भी कर दो तो मैं आपको भेज दूंगा मीटिंग आईडी. सेम पासवर्ड, राइट? ओके, सो सी यू इन लाइक बाय 3:45. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.